लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस नाके पे इतनी भीड़ भाड़ है मगर एक भी मैकेनिक नजर नहीं आ रहा है। कैसा स्पॉट है ये। ओ मेरी माँ। अबे ओ छोटे, क्या बात है? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, देख तो। ए सुनाई नहीं देता क्या? देखना स्कूटर क्या हुआ, देखना इसमें क्या हुआ है। आप क्या समझते हो, चलाने लायक है ये? क्या ये खटारा है? ये कोई स्कूटर है क्या? छी! ए, क्या कर रहा तू? लात मार रहा हूँ क्योंकि आपका स्कूटर इसी लायक हो गया है अंकल। इसका स्पेयर पार्ट्स बिल्कुल ढीला हो चुका है। हाँ, भंगार वाला, भंगार वाला। भंगार में बेच डालो अंकल। मैंने तुझे रिपेयर के लिए कहा ना। उधर नजर तो डालिए। देखा क्या कितने बाइक है? ऐसे बाइक खरीदने वालों का मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे बाइक खरीदने वालों का काम छोड़कर मैं आपके खटारे का काम करूँ क्या? छी छी। ए, इतनी अकड़ है तेरे को? जितनी तेरी हाइट नहीं उससे बड़ी तेरी जुबान है। बहुत बड़ा मैकेनिक है क्या तू? बड़ा मैकेनिक तो हुई। ए, जबान संभाल के। मेरे बॉस को पता चला ना तो बॉडी ब्रेक डाउन कर देंगे, समझे क्या? हाँ समझ गए क्या? उधर देखिए। जल्दी करो ना। मैम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? हीरो के आते आते देर हो जाएगी। ए, तू क्या देख रहा है बे? रेस में चलना है क्या? हा? वो क्या है भाई, मैं तो ए, दम नहीं है तो बात नहीं करने का। चल निकल इधर से, चल निकल निकल। सुनो, मेरे पास बाइक होती तो मैं रेस जरूर करता। है, है। आज के बाद इस बाइक को हाथ नहीं लगाने का। बताता बताता अगर मेरा साथी होता। अरे वो देखो मेरा बॉस आ गया। ए, क्या प्रॉब्लम है? मामा वो क्या है कि आज अपने यहाँ पर शूटिंग चल रहा है, हीरो को आने को थोड़ा लेट हो रहा है, इसीलिए फाइटर लोग टाइम पास करने के लिए मेरे साथ बाइक रेसिंग करना चाहते हैं। मैंने बाइक मांगा तो मुझे भगा रहे हैं ये लोग। ए, क्या तू रेस के लिए रेडी है क्या? मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। तो रेस किधर से स्टार्ट करेगा? यहीं से स्टार्ट करूंगा और यहीं खत्म करूंगा। इनाम क्या है? बाइक के बदले बाइक। एक बार फिर से सोच ले, तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा ये। ए, हिम्मत नहीं है तो चला जाए यहाँ से, और अगर हिम्मत है तो आ जा। अरे मास्टर जी आ गए। अरे यही तो फाइट मास्टर है। नमस्ते मास्टर। इसी शूटिंग में आए क्या? या तुम्हारी हिम्मत को देख करके मैं खुद तुमसे रेस करना चाहता हूँ। अच्छा, इन मच्छरों के साथ कौन रेस करेगा? इनकी बजाय अगर आपके साथ रेस करूंगा तो मजा आएगा। रेडी? हाँ रेडी हूँ। एक मिनट। रेडी गो। Gowri
क्या यार? ए मास्टर, क्या सोच लिया तुमने? हार मान के अचानक गाड़ी रोक दी, ये सोच लिया क्या तुमने? हाँ, ये लाइन पार करके जो उस पार पहुंचा वो जीत गया। चलो कोई बात नहीं, तुमने रेस में चांस लिया इसलिए मैंने तुम्हें जीतने का चांस दिया। मास्टर जी, रेस में मैंने बाजीगर को ही जिता दिया। किस लिए? तुम तो जीत सकते थे ना। इज्जत। मास्टर, इनको मामूली मत समझो, ये हर खेल में खिलाड़ी है। क्यों, हमारी हीरोइन गाने के लिए तैयार है क्या? आई एम रेडी। चकोरी बाहों में समा, ओ मेरी बाहों में समा। हाँ, चन चन जोरी, दिल हुआ जोर, दिल तेरा हुआ, अरे दिल तेरा हुआ। इन सुहानी रातों में, यूं ही बातों बातों में, जो भी होगा देखा जाएगा। आ आ आ, काली काली आंखों वाली जादू कर गई, जादू कर गई, धीरे धीरे दिल में प्यार भर गई है। काली काली आंखों वाली जादू कर गई, जादू कर गई, धीरे धीरे दिल में प्यार भर गई है। मुझको गले लगा लो, अपना मुझे बना लो, हो गया मैं दीवाना, हो गया मैं दीवाना। मुझको जरा संभालो, सांसों में जरा बसा लो, हर पल है मस्ताना, हर पल है मस्ताना। तू है दिल की धड़कन, तू मेरा प्यार है, बिन तेरे जीना भी तो दुश्वार है। मस्तियों के लम्हे हैं, हम क्यों सहमे सहमे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। काली काली आंखों वाली जादू कर गई, जादू कर गई, धीरे धीरे दिल में प्यार भर गई है। काली काली आंखों वाली जादू कर गई, जादू कर गई, धीरे धीरे दिल में प्यार भर गई है। कहाँ है मुझे जब से देखा है तुझे, नशा बन के छाए हो तुम, नशा बन के छाए हो तुम। रुके ना रुके, अब ये दीवानापन
को जहां मिल गया, तेरे साथ दिल का चमन खिल गया। आज मुझको रोको ना, आज मुझको टोको ना, जो भी होगा देखा जाएगा। आ आ आ, काली काली आंखों वाली जादू कर गए, जादू कर गए, धीरे धीरे दिल में प्यार भर गई है। काली काली आंखों वाली जादू कर गई, जादू कर गई, धीरे धीरे दिल में प्यार भर गई है। हाँ, इस तरफ घुमा। हाँ घुमा रहा। बस 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 रुको, कोई नया पंछी आया है देखो। कौन है ये जो सेंटर में गाड़ी रख के आइटम उतार रहा है? हाँ, एक अंकल है और एक आंटी है। ए, क्या लगा रखा तुम लोगों ने, कोई काम नहीं है क्या? ऐसे नहीं, ये स्ट्राइकर है ना, यहाँ रखो, सीधा सामने मारो तो वो गोटी कवर हो जाएगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। ओके। जरा सा चूक गए। जरा सा चूके नहीं, गोटी उसके पैकेट में गया। सॉरी। क्या सॉरी, तुमने बताया ही गलत और ऊपर से माफी मांग रहे हो। आए बहुत बड़े, चल खेलना। रुको जरा, ये स्ट्राइकर में मारोगे तो ये पॉकेट में आ जाएगा। तो इस पॉकेट में जाएगा? ये पॉकेट में आएगा। कहाँ के हो? मैं नागपुर का हूँ। तो नागपुर का है, नागपुर को हम नहीं जानते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा गांव नागपुर है, मेरा नाम रघु है, मैं डिजाइन बनाता हूँ। ओ, आर्टिस्ट हो क्या? करेक्ट। परसों ही मैंने अपना बोर्ड बनवाया है, आप कोई काम नहीं? हाँ, जाओ। ये बात नहीं, मैं बगल के गवर्नमेंट स्कूल में ड्राइंग टीचर बनकर आया हूँ। ये किसकी साइड इफेक्ट है? ओ, ये मेरी पत्नी है भागी लक्ष्मी। हाइट कम है पर सुंदर है। हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, दूध लेने गए थे, दूध लेकर आए हैं। ए, दूध का पैकेट दिखा। मेरे को इनाम दे रहे हो क्या? इनाम किस लिए? मैंने शॉट लगाया, गोटी उड़ के गई तो मुझे इनाम मिलना चाहिए ना। तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ। हमने एडवांस दिया है यहाँ रहने के लिए। ए, रहने दो, हम क्या बेवकूफ दिख रहे हैं तुझे? बीच रास्ते में तुमने बोर्ड लगा रखा है। तो क्या, घर की चाबी मेरे पास है। ए, करम हटाओ। चल भाई। शायद कहीं चले गए लगता है। कितनी तकलीफ से बनाया होगा ना चिड़ियों का घोंसला। ये अभी तक बंद था, तुम लोग आए डर के मारे वो लोग चले गए। तुम जाओ रहो अंदर, इसको मैं कहीं और रख दूंगा जहां इसको खतरा ना हो। जाओ रहो अंदर। सारी तैयारी हो गई। सरकार। क्यों, काम किसका हो रहा है? बैठल राव राणे, सारे पॉलिटिशियन के नाक में दम कर रखा है, टाइम का पाबंद है। देखो सरकार, मुझे अपने भविष्य की चिंता हो रही है, क्या मुझे पता नहीं है? सरकार सिर्फ दो ही काम करता है। मैं यहां बैठकर सोचने नहीं आया हूं, खुद बैठकर सोचो। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? एसी रूम में अगर बैठकर बात करेंगे तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा, इसीलिए सीक्रेट बात पब्लिक प्लेस में ही करना मेरी आदत है। मेरे पास वक्त नहीं है, काम की बात करो। दो बार मिनिस्टर बन चुके हो, इस बार होम मिनिस्टर की कुर्सी, और भी बहुत कुछ, इस बात में तुम्हारी राय क्या है? तुमने क्या नाथला समझा है क्या? ऐसा मैं कुछ नहीं समझता। दो बार मिनिस्टर बना उसको तबाह करने वाला कौन है तू? इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक बार तुम उसको
फिर से मौका नहीं दे सकते हो क्या? बीच में तू चमचागिरी करने वाला कौन है? तू क्या समझता है तू ही है पूरे देश को चलाने वाला? तुझ जैसे गुंडों की औकात ही क्या है? पॉलिटिक्स में होना ही नहीं। आज मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूं इसलिए तू बच गया। तू अपने आप को गॉडफादर या किंग मेकर समझता होगा। मैं तुझे बीच सड़क पर लाकर तू अगर अपना हद पार किया तो मैं सीधा तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। ये आखिरी फैसला है? मैं क्या कर सकता हूं ये देख ले। मंत्री पद का झगड़ा, बीच बाजार में दिन दहाड़े खून, विचार के लिए राज ने बैठक की। सुनो जी कॉफी। पेपर पढ़ रहा हूँ। कॉफी ठंडी हो रही है। पेपर पढ़ो। चीख क्यों रहा है? मैं क्या चीख रहा हूँ? अंदर से आवाज आ रही है, वो देखो नमूने आपस में लड़ रहे हैं। कॉफी ठंडी हो रही है। पेपर पढ़ रहा था, कॉफी लाने की क्या जरूरत थी? दू क्या है? उड़ती पतंग को मंगलसूत्र बांध के घर ले आया, अब उसको छोड़ के खुद उड़ रहा है। अरे जाने तो अपने को क्या करना है? सुनो जी, इनका तो रोज चलता रहता है। कॉफी तो पी लीजिए। क्या करना है? सुनो जी, कॉफी। ए आर्टिस्ट, बहुत गुस्से में लग रहे हो यार। ये डेली का रेडियो स्टेशन है। ए जा, एक चाय पिलाओ। हाँ, कॉफी। चाय पी रहा हूँ। अंदर जा, अंदर। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। सुनो, कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है क्या? ए आर्टिस्ट, ये नौटंकी अपने घर में करो, बीच बाजार में मत करो। बे, तू बड़ा हीरो है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गया था। तो फिर बाजू हट। हटता हूँ ना, उससे पहले मुझे तुमसे पैसे लेने हैं ना। क्या पैसा? हम लोगों से टकरा रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ तुमसे टकरा रहा हूँ, मैं तो किसी से झगड़ा ही नहीं करता, और तुम लोगों से तो मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। हम लोग तो रोड पे कैरम खेल रहे थे ना, चार पैर का स्टैंड खराब हो गया, बहुत कुछ खराब हुआ, पाउडर खराब हो गया, स्ट्राइकर घूम गया, गोटियां भी गया, एक बाइक थी डिलीवरी की उसका साइलेंसर उखड़ गया, उसके साथ मेरा एक स्क्रू ड्राइवर, सब मिला के कितना हो गया? कितना बोलो? 6,500। प्लीज पैसा दे दो, मैं निकल जाता हूँ। ए तुम लोग गुस्सा मत हो ना। हाँ समझ गए ना? मैं कौन हूँ पता है? किसका आदमी हूँ मालूम है? सरकार के आदमी है हम।
हो गए ना भाई, मुझे डरा रहे हो क्या? मुंह क्या देख रहे हो, मारो साले। हिलना मत वरना गाड़ दूंगा। मारने खाते ना, निकाल पैसे, निकाल निकाल। सीधे से मान जाते तो मारने खाना पड़ता ना, हाँ? ऐसे अधमरे तो नहीं हो जाते? क्यों भाई गिरी पे उतर आए, समझ में नहीं आता क्या? गुड, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है मिस्टर। थैंक यू सर। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही पावरफुल न्यूज़ है, इसे हमें अभी टेलीकास्ट करना होगा। ये हम सब मीडिया वालों का फर्ज है, ये न्यूज़ अभी के अभी जाएगी। नमस्ते, आज राष्ट्र की राजधानी में गुंडा राज का राजकीय में भी समावेश है और शहर को माफिया का हेडक्वार्टर बनाकर अपनी हुकूमत को चला रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है। सरकार, मैं हूँ। चलो कैमरा ऑन करो, कम ऑन ऑन। मैं हूँ सरकार, मैं खुद अपना परिचय दे रहा हूँ, पब्लिक को किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। मैं हूँ सरकार। पुलिस, पॉलिटिक्स, दलाली, गुंडागर्दी, ड्रग्स, ये सारे बिजनेस यही सरकार चलाता है और चलाता रहेगा। क्या समझे? सही कह रहा हूं ना? दिखाओ दिखाओ, अभी दिखाओ।
सब कुछ दिखाओ, दिखाओ। तेरा न्यूज जो स्टार्ट हुआ है उसमें सिर्फ सरकार को ही दिखना चाहिए। सारी दुनिया में रिले होने वाले इस चैनल में मैं अपना खुद परिचय दे चुका हूँ। दिखाओ, दिखाओ। नो, रोक दो इसे, इस न्यूज को रोक दो। यही तो सरकार है। सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं। इतनी हिम्मत से कैमरे के सामने बात करने वाले को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम लोग इसका पीछा करो और सारे शहर में फैल जाओ। मैं इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहता हूं, अप टू डेट। कम ऑन, स्टार्ट दैट। उधर देख, लगता है माली इंटरव्यू देने जा रहा है। उसके चलने का स्टाइल तो देख। ए, किसने चिकर है? ए, तुझे देखकर थोड़ी चिका। तेरा नाक टूट जाएगा। सुबह सुबह मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तब कोई चिकता है क्या? ऐसी बात नहीं है भैया, तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो इसलिए चिक कर हमने बुलाया तुमसे बात करने के लिए। तुम्हारे क्लासमेट है ना हम लोग। मेरा क्लासमेट हो तुम लोग? पांचवी तक पढ़ने वाले मेरा क्लासमेट बन गया क्या? अब मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तुम्हें पता है। आईटीआई कर लिया तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। चुप करना, क्यों उसका दिमाग खराब कर रहा है? चल चाय पी ले भाई। मुझे नहीं पीना। चल पी लेना, मेरे खातिर पी ले। मतलब तुम लोग मुझे चाय पिला के मुझे अपनी तरह आवारा बनाना चाहते हो क्या? अरे टाइम इज मनी, आई डोंट वेस्ट माई टाइम। मैं एक मिनट भी फालतू नहीं गवाना चाहता। ऐसी बात है तो निकल यहाँ से। जाओ भैया, यही घर है। कितना हुआ? मैं देता हूँ। नहीं चाहिए, रहने दो। बेटी चित्रा, कितनी देर कर दी? बस लेट हो गई थी क्या? हाँ मामी, रास्ते में गाड़ी बहुत बार पंचर हो गया था। हे भगवान, कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे बच्चों को आने में। चल चलते हैं। अरे रुको, क्या चक्र चक्र चकोरी हो? ये मेरी भांजी चित्रा है। ओ, इसके नाम की तरह ये भी बड़ी अजीब है, चित्रा। कितने खूबसूरत दूज की चांद की तरह है। वो इसलिए मैं इसको अच्छा सा घी, अच्छा सा दूध पिला के पालती हूँ, इसलिए इतने खूबसूरत है। यू मीन खाते पीते घर की है? You see, Miss Chitra, he's Golu, ninth class. He's Mr. Raju, ten times fail. Or my Mr. Devanam, engineering specialist in electrical. ITA. Thanks. ये सब मुझे कैसे पता होगा? क्या बात कर रही हो आंटी, तुम्हारे पास तो चित्रा है और चित्रा के लिए हम है। ए बाजू हट, तुझे क्या करूँगी मैं, इसे अच्छे से घर में देना चाहती हूँ। Definitely. उस लायक तुम्हारे पीछे खड़ा है। खड़ा है। ये क्या है, अभी तो तुम बाजू में खड़े थे, अभी भी पीछे खड़े हो। वो क्या है ना कि वक्त को देखते हुए ये बात करना पड़ता है। चलो चलते हैं। अरे मेरी चित्रा, इस दिल में कब एंट्री करेगी? मेरा तो चैन लूट लिया, अब मैं सीधा उधर ही एंट्री दूंगा। ये क्या, ये सब बड़ा अजीब लगता है ना। अरे खुद की कमाई नहीं है ना, माँ बाप की कमाई है। अगर खुद कमाते तो ऐसा उड़ाते क्या? अरे खुद कमाना पड़ेगा ना तो पता चलेगा इनको। ए, सामने कैनेटी गोंडा आ रही, जरा देखो तो। हमारी लड़की बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई लड़का ढूंढना जरूरी हो गया है। कैनेटी गर्ल यार, इस तरह हाथ मिला के चलना चाहिए। कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो शादी कर देंगे। आ रही है, जाना। मुझे डर लग रहा है। हमारी तो यही मर्जी है। क्यों डर लग रहा है? ए, रुकना। ए, चल। क्यों, क्या बात? बिजनेस और जमीन के लफड़े में मुझे वक्त ही नहीं मिलता, तुम ही कुछ अच्छे से देख लो यार। तो फिर मैं ही बात आगे बढ़ाता हूँ। तू ही कर लेगा तो अच्छे से रहेगा। ए, तेरे घर में बहन नहीं है क्या? क्या हुआ, तुम्हें क्या करना है? क्या उल्टा सीधा बात कर रहे तू? तेरे बड़ा भाई जैसा हूँ मैं। तुझे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? क्यों आवारागर्दी कर रहे हो? इसकी हिम्मत तो देखो, बीच सड़क पे लड़की का हाथ पकड़ रहा है। माँ ने यही सिखाया क्या? रास्ते चलने वालों के साथ बदतमीजी करो, लवारिस कहीं के। चुप करो, इसकी पूरी टोली है। ए, तुम इसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? इसे अपनी तरह अनाथ समझा है क्या? हम इसके साथ हैं, इसे अकेला मत समझो। तुम माँ हो इसलिए इतना दुलार दिखा रही हो। मैं खुद भी यही समझ बैठा था कि शायद तुम भी मेरी माँ हो।
यही सच है, कभी भी किसी को माँ के ऊपर से गाली नहीं देना चाहिए। जाने देना यार, बीच में मत बोल। चंडाल चौकड़ी कहीं के अपने आप को क्या समझ रहे हो? किसी की इज्जत करना तो जानते नहीं? आए बड़े अरे अरे तो करो। क्या जरूरत थी तुझे सब करने की? अरे हमें क्या लेना देना है? लाइट भी चली गई। क्या मनहूस लोगों से मुलाकात हुई यार, आज के दिन भी उनकी सूरत देखते ही लाइट चली गई। छे, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। हाय, हैप्पी न्यू ईयर। तुम डरो मत, मुबारक हो सबको, मुबारक हो। नए साल की शुरुआत में मुझसे मिलने वाले पहले व्यक्ति हो। ये लो चॉकलेट। हेलो, कहाँ हो? एक मिनट, मुबारक हो। कहाँ, किस लिए? दिल से। दिल से मतलब तुम्हारे लिए या मेरे लिए? मेरे लिए और सबके लिए मुबारक हो। सॉरी सर, माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझा था। कोई बात नहीं। अरे कहाँ गई वो लड़की? पलक झपकते ही गायब हो गई, मुबारकबाद देकर। मुबारक हो, मुबारक हो, सबको मुबारक। बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बचाओ मुझे, मुझे जरूरत है, मैं नहीं दूंगा। अरे को मार रहे हो? अरे ये क्या दादागिरी है? इसने क्या गलती कर दी है जो इसे इस तरह सारे हम मार रहे हो? अरे गुंडा नहीं तो क्या है, पूछो इससे। इंटरव्यू का पैसा खा गया, मारू नहीं तो और क्या करूं? दिया तो क्या, मेहरबानी किया क्या? मैं दू या वसूल करूं, तुम बीच में बोलने वाले कौन हो? वो भी किसी का बाप है। हाँ, तू चुप रह ना। लोग कैसे इंसान हो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे सुनो भाई, अरे अरे क्या कर रहा है? तूने तो बोरिंग उखाड़ दी। अरे भाई तूने पूरा बोरिंग उखाड़ दिया। अरे कितने लोगों को परेशानी होगी, पूरी बोरिंग उखाड़ डाली। ये तुमने क्या कर दिया? अरे ये सब अपने घर में करना, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो? ये ठीक करेंगे। इस बोरिंग से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिल तो, मैं तुझे बताता हूँ। मैं भी वही करूँगा, तुम भी होशियार रहना। क्या कहा? तू भाग यहाँ से, जाओ इस बोरिंग को पकड़े रहा। मैं तो भागा। हाय, कहाँ से आ रही हो? इतने नाजुक हाथों से इतना वजन क्यों उठा लिया? मुझे दो। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, फाइल पकड़ तुला। अच्छा, वो भी ला। इस दुनिया में अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं? सब मतलब के लिए लालची सारती है, लेकिन तुम जैसा शरीफ अच्छे इंसान की मेरी मम्मी बहुत तारीफ कर रही थी। क्या तुम्हारी मम्मी ने मुझे याद किया? हाँ, तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती है। वेरी गुड, मैं कितना अच्छा हूँ इस बात का ये सबूत है। देखा ना, मैनहोल का ढक्कन किसी ने खोल दिया है। ठीक है ठीक है, सेंसिटिविटी है ही नहीं, इडियट। खुला रहेगा तो कितना खतरा है, रास्ते पे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हमारे जैसे लोग और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियाँ गुजरती हैं। कभी कुछ हादसा हो सकता है, हाउ डेंजर। तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। कहीं न कहीं कुछ लोगों से गलती हो गई, इसलिए अभी तक नहीं मिली। अरे ढक्कन बंद किया रे। इन्होंने तूने बंद किया? क्या कर रहा है? मैं अंदर गटर साफ कर रहा था, अगर मेरे साथ दूसरे मर जाता तो मेरे बाप का राज है। अरे क्यों मर रहा है? बेकूफ कहीं का? अरे क्यों मर रहा है? तू सी तू गटर में गिर। अरे क्यों मर रहा है? बेकूफ कहीं का? मुझे मरने की कोशिश कर रहा है? अरे क्यों मरता है? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, समझता है क्या? अरे होगा तू इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैं गटर इंजीनियर हूँ। लड़की के साथ इसलिए तुझे छोड़ दिया, समझा? गौरी, क्यों आर्टिस्ट, आ गए क्या? सुबह सुबह तैयार होके कहाँ निकले थे? वो छोड़ तू, इधर आ। क्या है, कोई तकलीफ है क्या? वो बात नहीं, आज तुम सबकी मेरे घर में दावत है। क्या दावत है, वो किस लिए? आज लक्ष्मी का बर्थडे है, इसलिए घर में एक छोटी सी पार्टी है। उसका यहाँ पर कोई नहीं है सिवा मेरे, इस दुनिया में भी कोई नहीं मेरे सिवा। उसे अच्छी बात सिखाने वाले सिर्फ तुम ही हो। क्यों आर्टिस्ट, लक्ष्मी के बर्थडे के बहाने कोई और बात तो नहीं है ना? क्या कह रहा है गोरी? क्या 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 मतलब आर्टिस्ट, ये ऑयल ग्रीस में लगा हुआ ऐसे वहाँ खाने को आ जाऊं? लक्ष्मी के साथ तुम ही खाओ, वही अच्छा है। भैया भैया खाना खाने आओ ना। क्या कहा? खाना खाने आओ। उससे पहले क्या कहा?
ए गौरी, वो तुझे खाने के लिए बुला रही है। तुमने पहले कुछ कहा था? भैया, खाना खाने के लिए तुम लोग आ जाओ। बस देखो, पानी यानी कि मिनरल वाटर मिलेगा क्या? हाँ, बोरिंग का पानी मिल जाएगा। दोस्त, मैं क्या सोच रहा हूँ जानते हो? क्या? क्यों, क्या हुआ? इससे पहले खाना पीना नाश्ता सब गैरेज में ही लाकर खाते थे। हमको जिंदगी में पहली बार ऐसे कोई आदर से खिला रहा है, वो भी इतना स्वादिष्ट खाना। ऐसा तो क्यों सोच रहा है यार? सोच नहीं रहा हूं मैं, आज मुझे एहसास हो रहा है हमारा भी कोई है। तुम नहीं जानते आर्टिस्ट, जब से पैदा हुआ हूं तब से इतना बढ़िया खाना पहली बार खा रहा हूं। थैंक्स आर्टिस्ट। छिछी, तुम पराया थोड़ी हो, अपने घर के हो। ए, ये खाना छोड़ के ये कौन सी बात कर रहा है तू? खाना खा। मुबारक हो, मुबारक हो, सबको मुबारक हो। चुप करो जी, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, इन लोगों के सामने देना। आर्टिस्ट, कुछ खास बात है क्या? हाँ, खास बात है लगता है। तुम्हारी लव मैरिज है ना? क्यों, सही सही बता दूं? क्या लक्ष्मी, प्यार किया है ना? रहने दो गौरी, दोस्तों के सामने अच्छा नहीं लगता। अरे इतनी पास पास बैठे हो तो शर्माना किस बात के लिए? ए, चुप रहना। क्यों लक्ष्मी, बहुत प्यार करती हो क्या? अरे सुन गौरी, मैं नागपुर का हूँ, ये हमारे पड़ोस के छोटे से गांव की है। इसकी माँ भी गरीब थी, इधर उधर का काम करके इसे पालती थी और इसके बारे में सोचती भी थी, तभी मैं इसके चक्कर में फंस गया। मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हाँ, वो तो सब कुछ दिख ही रहा है। तो क्या मैं औरत का दीवाना हूँ? चुप करो। मेरे गांव में ये अक्सर आती थी, मैं इसको हमेशा प्यार से देखा करता था, तभी से ये मेरे मन को भा गई। मैंने इसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया, हम जीवन साथी बन गए। पर नौकरी करने के लिए मुंबई भाग कर आए क्या? हाँ, ये मेरे लिए और मैं इसके लिए। इसके आगे कुछ भी सोचूं तो यही मेरे सामने आ जाती है, शायद यही प्यार है, अपनापन है, पता नहीं क्या है ये, मैं ये समझ नहीं पा रहा। सिर्फ ये मेरी किस्मत है। क्या लक्ष्मी, तुम भी यही सोच रही हो क्या? पता नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती। मैं बचपन से धीरे धीरे बड़ी हो गई, कब ये मेरी जिंदगी में आए मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे अपना जीवन साथी बना लिया। यही 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 तो इसका बड़कपन है। इसके दिल की हर बात मेरा दिल समझ लेता है, और मेरे दिल की बात ये समझती है, यही चाहत है। इसके दिल की हर बात मेरा दिल समझ लेता है, और मेरे दिल की बात ये समझती है। आर्टिस्ट ने जो कहा मैं भी वही सोच रहा हूं, तुम क्या सोचती हो? प्यारी हो तुम, सबसे न्यारी हो, मैंने कहीं तुम सा नहीं देखा। कुछ दिल की बातें हो, दिन में भी रहते हो, प्यार में हो जाए कुछ ऐसा जुबां।
मेरी आंखों में तेरा चेहरा, मेरी यादों पे तेरा पहरा, बिन तेरे लागे हर पल जानम सुना। हाल कुछ मेरा भी वैसा है, क्या बताऊं तेरे जैसा है, बिन तेरे लागे हर पल साजन सुना। प्यारी प्यारी हो तुम सबसे न्यारी हो, मैंने कहीं तुमसा नहीं देखा। वाली मीठी मीठी बातों वाली, हाय मैं मर जावा। चाल तेरी मत वाली, लच के फूलों की डाली, तुझ पे मिट जावा। नशा जैसे प्यार तेरा मुझ पे खमार तेरा, हाय मैं मर जावा। दिल के पनाह में आ, प्यार की बाहों में आ, हाय मैं मिट जावा। छाने लगी है एक मदहोशी और मुझे ना तड़पाओ। नस नस में बिजली से चमके, पास तो मेरे ना। बेकरार है मेरी आंखें, इंतजार में है ये बाहें, एक तुझे में तो है खो जाना। संग लग मेरे अंग अंग, टूटना ये बंधन। मन में उठी तरंग, बज जैसे जलता रंग, झूमो जाने मन। छूटे नहीं तेरे मेरे दिल से प्यार का रंग बरसाना। भीगे तेरी मेरी जवानी, दिल की गली में आना। बेकरार है मेरी आंखें, इंतजार में है ये बाहें, एक तुझे में तो है खो जाना। ओ! सॉरी दीदी। सॉरी क्यों? तेरे जैसा ईमानदार कोई है क्या? ये पैसा तू ही रख ले, तुझे मिला है ना, तो तेरा ही हुआ ना, मेरा सोना राजा बेटा। बाय दीदी। बाय। अरे कितना प्यारा सीन था, कितना कस कस के पप्पी लिया है। अबे तेरा दिमाग दिल की जगह पर आ गया क्या? किसका? हाँ तू एक काम कर, जाके उस बच्चे को किस कर ले। ऐसा क्या? ले 300 रुपए तू शर्त का तू रख ले। अच्छा तो फिर मेरी बात सुन। और क्या बात है? अरे सुन ना, तू एक काम कर, चित्रा के पास अंगूठी लेकर जा और अपने प्यार का इजहार कर। वही तो सचमुच में तुझे इस तरह किस लेना होगा। कितना शानदार आइडिया है। चित्रा चित्रा चित्रा। क्या है रे, गधे की तरह चिल्ला क्यों रहा है? चित्रा किधर है? बाथरूम में है। बाथरूम किधर है? रुक, कहाँ जा रहे गधे की तरह भागते हुए? चित्रा से मिलने के लिए। क्यों मिलना है? चित्रा तुमने नहा लिया, मुझे भी बाथरूम में जाना है। क्या बात है? रोड पे अंगूठी मिली है, तेरी है क्या? बोल। अरे
अरे क्या बोल रही है, ये अंगूठी तो मेरी है। बाजी पलट रही है। चित्रा का है। हाँ हाँ, ये रिंग चोरी हो गई थी, पुलिस में कंप्लेंट की थी। लेकिन तू क्यों घबरा रहा है? आम की जगह गुठली हाथ में आ गई इसलिए। तो क्या हुआ, तेरे जैसा अच्छा इंसान कहाँ मिलता है? इस जमाने में अभी भी तेरे जैसे अच्छे इंसान मौजूद है। अच्छा बेटा, तू अंदर जा। आ गया ना, मैं कौन हूँ पहचान गई ना? हेलो, कौन है आप? अरे भूल गई क्या, उस दिन हैप्पी न्यू ईयर के दिन कहा था मुबारक हो मुबारक हो। तुम कितनी अच्छी हो, सारे जहां में तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है। कितनी सुहानी रात थी वो। कल रात को आर्टिस्ट कह रहा था फिर मिलेगी तो तुरंत दिल की बात कह देना, तभी मैंने तुम्हें देखा, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए तुम्हारे पास चला आया। तुम भी वैसे ही सोचती हो क्या? ए, पहले अपने इंट्रोडक्शन तो दो। मेरा नाम है गौरी, एरिया धूलपेट, बाइक मैकेनिक। इतना कमा लेता हूँ कि तुम्हें खुश रख सकूँ। मुझे वक्त मुहूर्त कुछ पता नहीं, जो अच्छा लगा उसी वक्त फैसला करता हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, चलता हूँ। ए, क्या है? जोक है क्या? नहीं तो? तुम जानते हो मुझे, मेरे घर के बारे में जानते हो, मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, मेरी स्टेटस क्या जानते हो, एटलीस्ट मेरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हो। ए सुनो, ए तुम, ए लड़की का हेडलाइट रिपेयर में है क्या? कैसी बातें कर रही है, फ्लैशबैक में गई है क्या? देखो ना कैसे स्वार्थियों की तरह बात कर रही है ये। इन लड़कियों की गैंग के बॉस हो क्या तुम? ओह डॉक्टर हो गए। वो क्या है ना, बिल्कुल शांत बैठे हैं, तुम भी मौन होकर यहाँ बैठी हो, इसके पागलपन का इलाज चल रहा है क्या? पागल? कौन पागल है, तुम या मैं? आराम से बात करने का, मैं बताता हूँ। दवाइयाँ बराबर टाइम पे लेते रहने का, नहीं तो क्या होगा, दिमाग और खराब हो जाएगा, और खराब हो गया तो शॉक लगाना पड़ेगा। संभल के बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। भगवान सबका दिमाग ठीक कर दे, भगवान सबका दिमाग ठीक कर दे, भगवान सबका दिमाग ठीक कर दे। क्या सोच रहे हो गौरी? कुछ नहीं रे, वो भी मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती पता नहीं। पहली बार प्यार करने वाले कैसा करते हैं? वो ऐसा है कि जो कुछ भी दिल में होता है वो सामने वाले को बोल देते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हेलो। प्यार करने वाले सड़कों पे पागल बन के भटकेंगे, अभी तो वो मेरे सपनों में ही है। नहीं नहीं, प्यार करने वाले ताजमहल बना देते हैं। आजकल भी प्यार में ताजमहल बनाने वाले हैं क्या? ठीक है बताओ। ए, प्यार करने वाले आज भी अपनी जान नौछावर कर देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप कर, प्यार करते हैं जान देने के लिए, समाधि बनाने के लिए, इसलिए प्यार यही सबक सिखाता है क्या? क्या है गोरी, बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। ऐसी बात नहीं आर्टिस्ट, कहीं भी हो किसी भी विषय पर हो सही ढंग से बहस होनी चाहिए ना। हाँ, तो क्या मतलब है? मतलब ये कि बिना मतलब की बहस करने से क्या मतलब? हर एक का अपना एक तरीका होता है। वही ना आर्टिस्ट, न्यू ईयर के दिन जो चॉकलेट दी थी ना, वही लड़की मेरे दिल में बस गई है, मैंने उससे जाकर कह दिया। अरे क्या बकबक कर रहा है, इसने उससे क्या कह दिया? भगवान जाने। ए बंद करो, ये बात नहीं है आर्टिस्ट, प्यार क्या होता है ये मैंने तुमसे ही सीखा है। और इनको देखो, प्यार का मतलब जानते नहीं और जान देने की बात कर रहे हैं। पर ऐसे भी क्या चाहत है, तू अगर उसे प्यार करता है तो खुलकर बता क्यों नहीं देता? क्या बात करूं, अभी उससे मेरा रिश्ता ही क्या है। तो तुमने सीधा सीधा कह दिया क्या? हाँ कह दिया, मैं क्यों डरूं? तुम क्यों डरोगे, डराना तो उसे चाहिए। क्यों डराऊं, प्यार ऐसे ही होता है ना आर्टिस्ट? ठीक कह रहे हो, अब उसकी रात की सारी नींदें हराम हो जाएगी। क्यों, क्यों नहीं सो पाएगी वो? वो इसीलिए कि हम लोगों के साथ पहली बार ऐसा ही हुआ था। पहली बार जब प्यार होता है तो रात को नींद कहाँ आती है? ए तू हमारी पोल खोल रही है। क्यों, क्या हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आया इसने क्या कहा आर्टिस्ट। मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो बेचारी अभी तक सो नहीं पाई। ए, ए, तुम
टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हो तुम? प्यार में ऐसा ही होता है, लक्ष्मी भी कह रही थी, पहले पहले प्यार में ऐसा ही होता है। सो जाओ, आराम से सोगी तो सुबह फ्रेश होकर उठोगी, तब मुझे आई लव यू कह देना। क्या कहा? सुबह उठ के मैं तुम्हें आई लव यू कहूँगी? तो क्या हूँ, बताना तो पड़ेगा ही। मैं कौन हूँ तुम जानते हो क्या? मैं तुम्हारे बारे में क्या, अपने बारे में भी कुछ नहीं जानता। तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें देखने के बाद कुछ कुछ समझने लगा हूँ। हाँ? वो ऐसा होता है, तुम जाके सो जाओ। डैडी को अगर मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो मार डालेंगे। मार डालेंगे? मार डालेंगे? ठीक है ठीक है, चलता हूँ, तुम सो जाओ। कौन हो तुम? बाप रे, कैसे बिजनेसमैन हो तुम? सुबह तक खर्राटे लेते हुए पड़े रहते हो, यहाँ मैं रात भर तुमसे बात करने के लिए जागता रहा और तुम हो कि गहरी नींद में बुलेट की तरह खर्राटे ले रहे थे। ओहो, रात ज्यादा पी ली थी क्या? क्या बक रहे हो तुम? मैं इतनी देर से खास बात करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि बकवास कर रहे हो, मुझे नींद आ रही है। अब मैं जागूंगा और तू सोएगा, क्या बोल रहा है? दिमाग खराब है क्या? रात भर इसलिए जागा कि तुम्हारी नींद खराब ना हो और तुम उल्टी बात करोगे तो उसका जवाब भी मुझे देना आता है, समझे क्या? सुनो, सही कह रहा हूँ, इसमें तुम्हारी लड़की की कोई गलती नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं यार। श्वेता! बाप रे, चिल्ला के कान के पर्दे फाड़ दिए। हाँ डैडी, तुम यहाँ पर? यू? मैं हूँ, तुम मत घबराओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारे डैडी को मैं समझा चुका हूँ, इसने अगर तुम्हें कुछ किया, मारा पीटा, तो इसका वो हश्र करूंगा, देखना तुम। हाँ यार, इंग्लिश में कहोगे तो क्या समझ नहीं पाऊंगा, आवाज से मतलब निकाल लेता हूँ मैं। यू साउंड आई फिनिश। ये क्या कह रहा है? ये मैं जो इंग्लिश में कहा तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? बड़े ना समझ लगते हो, जाने दो, तुम आराम करो, है कोई बात नहीं। रात भर इनसे बात करने के लिए इंतजार करता रहा, ठीक है चलता हूँ, चलता हूँ। क्या है ये सब, ये घर पे क्यों आया, कौन है ये, क्या करता है ये? मुझे पता नहीं डैडी, न्यू ईयर के दिन विश किया था, उसके बाद से मेरे पीछे ही पड़ गया है। वो कहाँ रहता, तुझे सचमुच नहीं पता है? सचमुच नहीं जानती डैडी, प्रॉमिस। ठीक है, इसके बारे में अब मैं देखूंगा। नहीं डैडी, सोसाइटी में हमारी एक स्टेटस है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इट्स वेरी सिंपल, मैं उसे निपट लूंगी। ओके, बट बी केयरफुल। गौरी किधर है? गौरी किधर है? सुना नहीं क्या? बताओ जल्दी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या गौरी किधर है? बताओ, कौन है गौरी रे? ये बोल रे, इधर है गौरी, नहीं पता, मालूम है तुझे? अरे सुना नहीं, पता ना, पता पता, कौन है गौरी, किधर है? पता नहीं, पता नहीं आ रहा, पता गौरी कौन है? मार मार, किधर है? हाथ तोड़ दूँगा, ये दोस्त आया नहीं, दोस्त आया को, किधर है गौरी? पता गौरी, पता पता, तो गौरी किधर है? पता नहीं, किधर है गौरी? ये सुनो मेरे को, अच्छा वो है गौरी। ओए, ये गौरी, अच्छा तो ये गौरी है, ये गौरी है। ये अपना पर्सनल मैटर है। Oh!
छोड़ दो इसको, चलो जाओ। अब तो तुम समझ गए हो ना, दोबारा ऐसी हरकत करोगे तो यही अंजाम होगा, याद रखना। तूने हमें रोक दिया, वरना एक एक की हड्डी तोड़ देते हम। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं चुटकी बजाकर अकेला कर सकता हूँ। कन्या के चरित्र को तो देखो, चॉकलेट देकर जहर पिलाती है, मैं भी किससे प्यार कर बैठा। भैया कौन है ये लड़की? मेरे दिल की रानी। सीज़र देना। थैंक यू। थैंक यू। तुम? हाँ हाँ मैं साहब, कहाँ खो गई थी तुम? मैं तुम्हें सब जगह तलाश किया, कॉलेज भी गया तुम्हारे। तुम गाड़ी में आते समय यही कपड़ा पहन के आई थी क्या? क्या थी? बड़ा टेप कैंची लेके काट रही हो, लेडीज टेलर हो क्या? ए, मिस्टर, कौन हो तुम? गौरी, गौरी शंकर। क्या चाहिए? इनसे मिलना था इसलिए यहाँ पर आया हूँ। हेलो, हद में रह के बात करो। हाँ किसकी क्या हद है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तो तुमसे मिलने आया हूँ। तुम खुश हुई ना? ए, इधर सुनो, क्या नाप शनाप बक रहे हो? तुम्हें क्या पता है, इसने मुझे बीच बाजार में गुंडों से पिटवाया, इसलिए इसलिए तुमसे मिलकर तुम्हारी खबर लेने आया हूँ, समझी? ठीक है, सही सलामत है, नई गाड़ी की तरह। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ ये हुई ना कोई बात, वैसे बहुत सही जगह लगे हो दोस्त, अब भूल के भी मैडम के पास नहीं जाना, समझा क्या? नहीं तो तुम्हें चिंतूर में पकड़ के पुंतूर से बैंडेड लगा के पार्सल कर देगी तेरी तो। बहुत बिंदास लग रहा है, संभल के रहना, अपने काम से मतलब रखना, चल काम कर। क्या है श्वेता, ये तुमने कॉलेज समझ रखा है क्या? श्वेता पे आप क्यों भड़क रही हो? तुम लेडीज टेलर हो या भाई हो, पुराने मोपट की तरह भौंक रही हो? प्लीज, तुम बाहर जाओगे क्या? ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कही, मैं कब ना कहा? इन्हें अच्छे से सिलाई सिखाओ टीचर। हे बाय बाय उमा, बाय बाय। हे वो देखो खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। टॉय 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 टॉय। क्या बात है? हाँ तुम्हारा कर्ज उतारना है। कैसा? लव लेटर देके। तुम मुझे लव लेटर दोगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? पता नहीं पता नहीं, रात को सोच के सवेरे बताऊंगा। हाँ नो 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 नो, अभी फैसला करना है। फ्रेंड्स वन मिनट प्लीज। महाशय मेरे लिए लव लेटर लेकर आए हैं। मैं महाशय मतलब मैं हाँ। इस लव लेटर के लिए इन्हें मुबारकबाद तो दो। मैं सबके सामने महाशय के दिल की बात सुनाती हूँ। हाँ करेक्ट करेक्ट। प्यारी मेरी मन मंदिर की रानी, अरे वाह, मैं हूँ आपका आशिक गौरी। पहली बार जब आपको देखा तभी से आपको दिल दे बैठा। दिल को भा गई क्या? अरे रुको रुको, आगे और भी लिखा है। जब भी सोचता हूँ तुम ही याद आ जाती हो मुझे। अरे आगे भी तो पढ़ना, रुक क्यों गई? सॉरी सॉरी, सुनाती हूँ सुनाती हूँ। जब भी आंखें बंद करके तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तुम सामने आ जाती हो। मेरे दिल में मेरे दिमाग में तुम ही छाई हो। लव करेगा, हैसियत देखिए अपनी टपोरी। सॉन प्लीज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। या ओके। हर जगह तुम ही तुम हो मेरे सामने, सोते समय जागते समय खाते समय गाते समय। और कितने समय है इसमें? मैकेनिक है, लगता है इसका इंजन खराब हो गया है। कल रात को जब मैं तुम्हारे घर पे क्या हुआ था? अच्छा कुछ नहीं, मेरे दिल में बस तुम ही तुम बसी हो। तुम्हारे लिए मैं भगवान से तुम्हारे लिए भीख भी मांग सकता हूँ। डब्बा रखो, हम छुट्टा डालेंगे। वेलकम वेलकम। मैं बना हूँ तुम्हारे लिए, तुम बनी हो मेरे लिए, बने हैं बने हम दोनों एक दूजे। ओ मेरे लिए नहीं, गंदी नाली के लिए। डियर फ्रेंड्स, इसका भला मैं क्या जवाब दूँ बोलो? ओके ओके ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। ये कोई लव लेटर है? छह, जिसका एक भी लाइन सही ढंग से लिखा नहीं है। तुम क्या लिखोगे, तुम्हारे पास दिमाग है? तुमसे कौन प्यार करेगा? लव लव लेटर, ये कितना चीप स्टाइल है। इडियट।
ये लव लेटर मैंने तेरे लिए लिखा था, इन सब के लिए नहीं। मेरी क्या गलती है क्या नहीं है तू अकेले में भी कह सकती थी, कारण कि तूने अभी मुझे पहचाना नहीं है। प्यार के लिए रात या दिन की जरूरत नहीं, सिर्फ कविता लिखने वाले ही प्यार कर सकते, तो अनपढ़ लोगों की प्रेम कहानी कभी बनती ही नहीं, समझी क्या? करेक्ट कह रहा है। प्यार करने के लिए तुम्हें मुझे समझना होगा और मुझे तुम्हें समझना होगा। प्यार के लिए चाहिए जिंदा दिल। चलता हूँ। छुड़ाने के लिए मैंने इसकी पिटाई की, बेइज्जती की, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये मेरे पीछे ही नहीं छोड़ता। इतना टेंशन है कि तुझे एक आइडिया देते हैं यार। क्या है? मैकेनिक का मैकेनिक की तरह इलाज कर यार। तू भी उसके साथ एक प्यार का नाटक कर। ए, तू सठिया गई है क्या? नहीं यार, तू मेरा कहना मानेगी वो सठिया जाएगा, तेरे पीछे कुत्ते की तरह घूमता रहेगा, पागलों की तरह देवदास बनकर घूमेगा, समझे? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उस दिन जो मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, उसी के बारे में बात करना चाहती थी। जब तुम मुझसे इतने दिलो जान से प्यार करते हो, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर तुम कहो तो मैं बता दूं क्या? I love you। धोखा, धोखा दे रही हो तुम, धोखा दे रही हो तुम, धोखा दे रही हो तुम। सुनो। छी, धोखा धोखा धोखा। सुनो तो, मेहरबानी करके मुझे धोखा मत दो, मुझसे कुछ मत कहो, ना तो तेरी आंखों में प्यार है ना तेरे लफ्जों में। क्या क्या समझती हो, मैं तुम्हारे पीछे घूमने वाला कुत्ता हूँ समझती हो क्या? मैंने सोचा तुम मेरे प्यार को समझ पाओगी, इसलिए मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया, उसके बदले तुमने मेरा मजाक उड़ाया, बेइज्जती की। ये दिल पागल था, मैं तुम्हें क्या समझता था जानती हो? मेरे मन मंदिर की देवी मान बैठा था, मुझे मुबारकबाद देने वाली पहली देवी थी। देवी देवताओं का कभी अपमान नहीं किया जाता। सुना तुमने, देवी देवताओं का कभी अपमान नहीं किया जाता, उन्हें पूजा जाता है। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरी बेइज्जती की, कॉलेज में सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, गुंडों से पिटवाया, तिल तिल करके जलाया, फिर भी मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन अब भी तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। धोखा धोखा धोखा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ धोखा करूं तो, यही तकलीफ तुम्हें पहुंचाऊं तो? देखो प्यार की जुबान क्या होती है, प्यार को किस तरह से पैकिंग करके उसमें रिबन बांधकर पेश किया जाता है, प्यार में क्या तोहफा देते हैं ये नहीं मालूम, मैं कहां पैदा हुआ, लोगों के ताने सुन सुन के पला बढ़ा हूं, यही सच्चाई है। ऐसा ही हूं मैं और ऐसा ही रहूंगा। अपने इलाके में बुला के तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, इसलिए तुमसे यहां मिलने का वादा किया। आज तुमसे मैं ये कहता हूं कि जिस दिन तुम मेरे प्यार को समझ जाओगी, फिर तुम इसी जगह बुलाकर I love you कहोगी, और उस दिन तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिलेगा। तुम मेरे प्यार में पागल होके मेरे पैर में गिड़गिड़ा के प्यार की भीख मांगोगी, तब भी नहीं, सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं, अरे वाह, कोई नहीं है, चित्रा चित्रा, कोई नहीं है तो चित्रा 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 से क्या काम है? मुझे उससे खास बात करनी है। किस लिए? मुझे इंटरव्यू में जाना है मौसी, इसलिए आशीर्वाद दो मौसी। कबाब मेहंदी, इससे तुम आम कटवा रही हो, ये क्या कर रही हो तुम चित्रा? अचार के लिए आम काट रही हूँ। मौसी, तुम्हारे अंदर अकल है क्या, जो तुम चित्रा से काम करवा रही हो
वो तुम्हें काम करने वाली दिखती है। तुझे क्या करना है, तू जो अपने काम से आया ना उससे मतलब रख। ये मैं देख नहीं सकता। देख नहीं सकता तो बाहर चला जा, नहीं तो कुल्हाड़ के काट ले। मेरी प्यारी चित्रा कितनी मेहनत कर रही हो। मेरी चित्रा बाजू हटो, वो सब इस तरफ देना। किस लिए? फटाफट मैं काट देता हूँ। क्या कहा? मैं आम के टुकड़े टुकड़े करने को कहा। क्या जरूरत, मैं खुद कर लूंगी। तेरा हाथ बटाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है प्यारी चित्रा। हाथ बटाओगे क्या? आधा घंटा में काट के फेंक दूंगा, तू सामने बैठ के देखती रह। जरा बैठ बैठ के देखना। दिल में कर देने वालों का सही होता है। कुछ चिल्ला रहे हो, अपने आप से काटा है ना, देख के नहीं कर सकते थे क्या? पापियों को भगवान ऐसी ही सजा देता है। मेरा हाथ बटा रहा था ना ये। हाँ देखा है, बहुत हाथ बढ़ाने वाले, दिल में खोट रखने वालों का यही हाल होता है। कोशिश किया तो मुझे गलत ठहरा रही हो। अरे अरे रोते नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट, तेरे रिलायंस के काम का क्या हुआ? जब भी रेड कवर करता हूँ टेंशन देता है। हाँ ठीक है, तू रेड कवर करके तो दिखा। ए गौरी किधर है? गाड़ी ठीक कर रहा हूँ। गौरी किधर है बताना, ऊपर होगा वो। गौरी, गौरी क्यों चिल्ला रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, मुंह क्यों उतरा है तुम्हारा? मैं मुसीबत में फंस गया हूँ गौरी। क्यों, क्या हुआ? वो लड़की मेरे साथ आ गई। कहाँ है? जिससे तूने प्यार किया वही तो नहीं? हाँ वही। गुरु मुझे देर हो रही है, पैसेंजर तो उतारो। बोल रहा हूँ ना। अरे जल्दी करो, मैं वेट दे रहा हूँ ना यार। ऑटो में कौन है, भीड़ क्यों जमा है? वो क्या है ना, क्या छुपा रहा है तू? हटो सामने से, हटो सामने से। ये सब क्या है? मुझे कुछ भी पता नहीं गौरी। सर मुझे भाड़ा दे दो सर। हाँ भाई ये लो। ए यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है, तमाशा हो रहा है क्या? चलो यहाँ से निकलो, चलो जाओ जाओ, चलो चलो जाओ जाओ, चलो जाओ मेरे साथ। ए चल जा, मैंने जो गौरी के बारे में बताया था ना वो यही है। यही वक्त है क्या? आ जा, आ जाओ। अरे क्यों रो रही हो तुम, अपना कोई नहीं है यही समझ के? गौरी है ना, सब संभाल लेगा। संभाल लेगा क्या, संभाल लेगा? हाँ तेरे को अकल है क्या, ये बात पहले मुझे नहीं बता सकता था? दुल्हन बन के आई है तब मिला रहा है मुझे। बहन ये तो बिल्कुल बुद्धू है, पर तेरे में तो अकल है ना। क्या करता, जल्दबाजी में सब कुछ हो गया गौरी, इसलिए साथ में लेके आ गया। क्या करूं, साथ में लेके आ गया, क्या सोच कर? कहीं छोटा सा कमरा मिल जाए तो। जेब में कितना है? मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। इंतजाम कर लूंगा, बेवकूफ जैसी बातें करता है, तब तक लड़की को क्या सड़क पर रखेगा? तुम्हारे होते हुए हमें कोई डर नहीं, तुम अगर थोड़ा सा साथ दोगे तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, सच बोलता हूँ। ओ बहना तुम इससे प्यार करती हो क्या, इससे प्यार करती हो क्या? हाँ करती हूँ। तुम क्या कह रही हो जानती हो ना? हाँ जानती हूँ। चलो चलते हैं। कहाँ पर? भरोसा है ना मुझ पर, चलो। अब हद से बाहर हो रहा है, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। मैं चिंता न करूं, मुहूर्त का समय निकल रहा है और लड़की घर से बाहर है। डैडी यहाँ सारे लोग परेशान है, कुछ तो कीजिए। आप दिल छोटा मत कीजिए, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस की मदद? नाना वहाँ देखो। ए! यही है मेरी लड़की को भगाने वाला, पकड़ लो इसे। डैडी थोड़ा सब्र करो, क्या हुआ पहले देखते हैं ना। इसमें क्या पता लगाने वाली बात है, इसकी वजह से आज सारे बारातियों के सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा। हम यहाँ बैठ कर सारी तैयारी कर रहे हैं और ये हमारी लड़की को लेकर फरार हो गया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चलो मारो उसे। जब लड़की यहाँ से भागी उस वक्त उसके साथ कोई था या नहीं मैं नहीं जानता, और मैं ये भी नहीं जानता अगर यहाँ पर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो घर पहुँचने के बजाय अस्पताल पहुँच जाएंगे। ए इधर आ, ये देखो इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंकना चाहते हो क्या, और मैं चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखता रहूंगा? बेटी रुक जाओ पापा प्लीज, मुझे माफ। चुप हो जाओ, ये नाटक बंद करो, चुप हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो, समझे? चलो आओ बहन। ये सब क्या हो रहा है? चुप करो डैडी, जिसका मैटर है वो खुद जानेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है?
ए मुंह क्या देख रहा है? तुमने इससे प्रेम किया, इसने तुझसे प्रेम किया, वो समझ में आता है, लेकिन तुम दोनों के इस प्यार से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। इनको क्यों परेशानी में डाल रहे हो? इन्होंने पता नहीं अपने दिल में क्या क्या सपने संजोए होंगे। ऐसे इंसान को पूरे बारातियों के सामने बेइज्जत होके सर झुकाना पड़े, ये गलत है। सबसे पहले इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो, मांगो माफी। प्यार मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, मुझसे गलती हुई, सॉरी। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं खुद मुबारकबाद देता। काहे का मुबारकबाद? उसने माफी मांग लिया तो तुम भी पिघल गए। समझाता हूँ, रुको एक मिनट। तुमने जो मेरे सामने कहा था वही बात इनके सामने कहो। घबराओ मत, नहीं तो इसको मैं कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाऊंगा। करती हूँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। क्या है ये तेरे बगैर जी नहीं सकती? मेरा बाप होने का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। मैंने तुझे कितना लाड प्यार से पाला था, उसका तूने यही सिला दिया। तू मेरी बेटी को लेके जाएगा? वो क्या है ना, जुबान क्यों लड़खड़ा रही, कहो। लड़की को सिर्फ दिल में बिठाने से कुछ नहीं होता, उसे पाने की हिम्मत भी चाहिए। आप क्यों चुप खड़े हैं, आप भी पूछिए ना। बताओ ना, सच्चाई बताओ, मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ, इन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, हर चीज का समाधान है। इसका भी है, इसको नौकरी मिल जाएगी, खुद का घर हो जाएगा, कुछ पैसे कमाने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक हमें इसको वक्त देना पड़ेगा। तुम्हारी लड़की के रहने को घर, खाने को खाना, तन के लिए कपड़ा, इनकी सारी ख्वाहिश पूरी करेगा, बेशक पूरी करेगा। जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाता तब तक आपकी लड़की आपके पास ही रहेगी। घबराइए मत, ये मेरा वादा है। मैं आप सबके सामने, इनके परिवार के सामने, आप सब साक्षी होंगे, जब तक ये इस काबिल नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी बहन को आपके हवाले करता हूँ। ओके ना, चल रहे। हेलो, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? आप रुको डैडी, तेरा नाम क्या है? कृष्णा। सर छोड़िए ना। कहाँ तक पढ़े हो? सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। डैडी मेरा विजिटिंग कार्ड देना। किस लिए बेटा? मुझे चाहिए। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। हमारे कंपनी में आपको प्रोग्रामर की नौकरी दे रहा हूँ, कल से काम पे आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नौकरी तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे दोस्त के वजह से तुम्हें दे रहा हूँ। इस तरह प्यार करने वाले दो दिलों को मिलाने वाला ऐसा दोस्त को मैं पहली बार देख रहा हूँ। सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होता, लेकिन प्यार को पाने के लिए तुम्हें सामने लाकर, तुमसे माफी मंगवाया और इस अच्छाई को देखकर और इस सच्चे दिल का, दोस्ती का प्यार देखकर तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ। मान गया सर, आप बहुत महान है सर। अबे सर को देखा कितने महान है। हाँ आप देखिए ना सर, आपकी लड़की इसके लिए कितनी लकी साबित हुई है। सर सर आपके सामने लड़का होते हुए शहर छोड़ के लड़का ढूंढने का क्या मतलब, कमा के खाते पीते रहेंगे। आप देखिए ना सर, आप दौलत से कुछ भी खरीद के दे दो लेकिन इनके प्यार की खुशियां नहीं खरीद सकते सर, जो खुशियां सिर्फ प्यार से मिलती है। मेरी बातों को जरा गौर कीजिएगा सर। ना जाने मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया था जिससे तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। मुझे मंजूर है भाई। ए अब काहे का डर, शादी के लिए तैयार हो जा। छोटे क्या सोच रहा है? हाँ अच्छा, दूल्हे का कपड़ा नहीं पहना इसलिए, छोड़ मंगलसूत्र पहना है यार। ए पंडित चलो चलो, क्या चलो। सोच रहा है, जल्दी से शुरू कर। शुरू करता हूँ। तदेव लग्नम तदेव लग्नम तारा बलम चंद्रा बलम तदेव लग्नम। इतने अच्छे इंसान को मैंने खो दिया, मैं ही बेवकूफ थी। ए उधर देखना। किधर? मेरा चेहरा नहीं, इधर। इधर नहीं है तो एक बार अपने दिल में झांक के देख, वो तुझे वहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ देखो साजन बस तुम ही तुम हो, मेरे दिल की धड़कन में अब रहते तुम हो। रब से मांगू मैं हर पल एक दुआ, प्यार तेरा मेरा ये कामना हो।
जहाँ देखो साजन बस तुम ही तुम हो, मेरे दिल की धड़कन में अब रहते तुम हो। जब भी सजन सोचो तुम्हें, रोशनी सी जैसे कोई पलकों पे छा गई, जब भी सनम देखूं तुम्हें, हौले हौले बढ़ जाए मेरे दिल की लगी, दूर मुझसे न जाना कहीं, धीरे धीरे बन गई तू मेरी जिंदगी, तेरे बिना अब जीना नहीं। सुहाने प्यार की घटा, प्यासा है दिल बरसे जरा, तुम मिले तो लग रहा है सब नया नया, छेड़े मुझे चंचल हवा, यूं ही चलता रहे चाहत का सफर, ना रुके कभी ये सिलसिले, आओ खाए कसम न जुदा होंगे हम जब तक ये सांस चले, डर है हो जाए ना कुछ खता, गुड मॉर्निंग सर। रामैया डीसीपी, बैठो बैठो। चलेगा सर। तुम पराये जैसे लोगों की तरह बात क्यों कर रहे हो, आओ बैठो। थैंक यू सर। आईपीएस में फेल हो गया, शायद इसलिए मेरे सामने बैठने में डर रहे हो तुम। हाँ सर, आप तो ठहरे होम मिनिस्टर, मैं तो आपके सामने छोटा ऑफिसर हूँ। क्या कह रहे हो तुम, कौन सी पार्टी कब बदल जाए, कौन सी कुर्सी किससे कब छिन जाए, ऐसी होती है हमारी जिंदगी। खैर छोड़ो, ये बताओ काम क्या है। खास कुछ नहीं सर, वो क्या है कि आपसे एक सिग्नेचर लेने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे ऑटोग्राफ की क्या जरूरत पड़ गई, तुम्हारे घर में कोई बच्चे हैं क्या? आपके सामने मैं भी बच्चा हूँ सर, प्लीज। ठीक है, देता हूँ। क्या है ये, तुम चाहते हो कि सिटी पुलिस कमिश्नर के लिए मैं तुम्हें अपॉइंट करूँ? हाँ, क्या समझते हो तुम, आसान है ये? तो 5 रुपए के नोट पर तुम्हारा साइन लेकर उसे एल्बम में लगाने के लिए आया हूं क्या? तुम क्या समझते हो, तुमने मर्डर करवाया था मैं जानता नहीं क्या? तुम्हें मर्डर केस में अंदर जाना है या सीएम की कुर्सी चाहिए, जरा सोच समझ कर फैसला करना। ये बात है, तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। तुम मुबारकबाद देके मुझे आजमा रहे हो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बुरा समय चल रहा है तुम्हारा। तुम कुछ भी कह लो मैं डर जाऊंगा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, डराने वालों में से हूँ। नमस्ते सर। अरे ये सिग्नल बंद क्यों है? सिग्नल चल जा इडियट।
ए चलो, ए गाड़ी हटाओ, चलो। ए ये परेड की तरह क्यों खड़े हो? चलो हटाओ यहाँ से, चलो। ए ए चलो यहाँ, चलो, चलो यहाँ से। कोई टीवी चैनल वाला शूट कर रहा है, पकड़ो उसको। जब तुम मेरे प्यार को समझोगी, मेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाओगी, तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। असेंबली के सामने डीसीपी का खून, मैटर साफ है। ये न्यूज पूरे राष्ट्र में तहलका मचा देगी। सिर्फ राजनीति वाले ही नहीं, पूरी सरकार की हालत भी इस बात से खराब हो जाएगी। वो तो ठीक है सर, सरकार के लिए आम बात भले ही है, लेकिन वो क्रिमिनल बहुत ही माहिर है, सच्चाई का बहुत बड़ा दुश्मन। अच्छा टाइटल, हेडलाइन का यही टाइटल रहेगा? आंध्र में सच्चा और ईमानदारी का खून करने वाला सबसे बड़ा देशद्रोही सरकार, यही धमाकेदार हेडलाइन। एब्सोल्युटली राइट सर। उस दिन मैं जहां छिपा था, ये दोनों भी वहीं थे सर। सर ये लड़का है ना, एक नंबर का मवाली लड़का है सर, वो मैकेनिक का काम करता है सर, मैं उसे जानता हूँ। तब क्या हादसा हो गया, तुझे कहाँ कहाँ लगी? मरहम तो आ, जल्दी से बताओ। मैं मरहम लगाता हूँ, घबरा मत। नहीं नहीं छोड़ दो। चित्रा, इससे किसी भी तरह का चोट ठीक हो जाता है, और तुम्हारी इस चोट के लिए ये मरहम बिल्कुल ठीक है। आप अंदर जाकर अपना काम करो। हाँ, तो। यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो? लगता है कि खून की धारा प्रवाह तेज हो गई है। तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? नहीं क्या? तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होता? लेकिन तुम तो डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग देती हो। अब रहने भी दो, मेरा ये चोट वो ठीक कर देगा। कोई और कर देगा? फिर ये कौन करेगा? किरण। किरण कौन है वो? अपनी सहेली का नाम ले रही हो? बिल्कुल नहीं, किरण मतलब हमारे डांस ट्रुप का डांस टीचर हुआ करता था।
मैं उसे बहुत प्यार करती थी। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से डरता था हमारा दिल। उस तूफानी रात को मैं नहीं भूल सकती। तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है, फ्लैशबैक बहुत अच्छा लगता है क्या? चाहकर भी मैं भुला नहीं सकती। हम दोनों के प्यार को पता नहीं किसकी नजर लग गई। हम दूर होते गए फिर अचानक जिंदगी भर के लिए बिछड़ गए। फिर क्या हुआ? बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं पर नहीं मिला। शहर शहर गली गली ढूंढती रही लेकिन वो कहीं पर नहीं मिला। कितनी दर्दनाक कहानी है तुम्हारी, तुम दुखी मत हो। प्यार के लिए क्या क्या किया? किरण को अब छोड़ो, मुझे याद करो। किरण को सोचकर तुम इस तरह दुखी मत हो चित्रा, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे इस बुढ़िया को भी अभी गिरना था। अरे बैठे बैठे क्या देख रहा है, जल्दी से मरहम लाओ, मुझे लगा दे। मैं लाऊं तुम्हारे लिए? अरे देखो तो कैसा है, भाग गया। Yeah, it's really good and I think so. Okay. क्यों हुआ? हंस क्यों रही हो? वो देखो। हेलो। क्या है गौरी, कैसा हुलिया बनाया? ड्रेस है जान, नया ड्रेस है। ओके, लेकिन इतना कलरफुल। प्यार के लिए जरूरी है, हीरोइन को दिखाने के लिए। सब तुम्हें देख रहे हैं। देखने दो, कोई बात नहीं, तुम फिकर मत करो, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। कल यही ड्रेस तुम कटआउट से खरीद रहे थे ना? करेक्ट करेक्ट, हीरो का ड्रेस है समझी। ओके ओके, तुम्हारे पॉकेट में क्या है? पेन नहीं, है स्ट्रॉ। हाँ स्ट्रॉ, लेकिन दो किस लिए? ये किसके लिए? प्यार को ठंडा करने के लिए दो स्ट्रॉ लगते हैं, नहीं समझी क्या? समझ गई। कैच, ये टिकट। अप्सरा थिएटर में पास पास बैठकर फिल्म देखेंगे और टाइम पास भी करेंगे, सिनेमा भी देखेंगे और डुएट भी गाएंगे, मस्ती करेंगे, फिर छोटा सा ब्रेक, स्मॉल रेस्ट, उसके बाद तुम अपने घर चली जाना, मैं सीधा अपने गैरेज चला जाऊंगा दिल में तुम्हारी यादों को लेकर। ओके, इन सब की क्या जरूरत? प्यार करने का यही तरीका है। तुम दिल से यही चाह रहे हो क्या? तुम्हें ऐतराज है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। प्यार करने वालों को इन सब चीजों की नहीं, प्यार तो कैसे भी हो जाता है, उसके लिए हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पहली नजर में ही प्यार कर बैठी थी। क्या हुआ? आओ लक्ष्मी। कौन है देखो? ये तुम्हारी? हाँ, श्वेता है। ये क्या गौरी अचानक लेके आ गए? घर पूरा बिखरा पड़ा है, आओ बैठो बैठो, मैं उन्हें बुलाती हूँ। सुनो जी, ए जी। कौन आया, देखो तो सही। अरे चलो ना। अरे मेरे कपड़े। अरे, अरे कपड़े तो पहन के जाओ। कपड़े तो पहनो, पहनो। अरे कपड़े तो दो। हाँ। ए, ये क्या है, अचानक इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आओ बैठो, छोटा सा घर है, आओ बैठो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। बैठो बैठो। और सुनाओ क्या लोगी? क्या लोगी तुम, बोलो ना। हाँ, क्या लोगी तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी। हा? सामने वाले दुकान से समोसा लेकर आऊं क्या? तू चुप रहे। अबे तू चुप कर। हा? मेरे साथ आओ जरा। इन्हें यही बैठे रहने दीजिए ना। अब आओ तो सही। लक्ष्मी ये कह रही है? अरे आओ तो, आओ ना, आओ ना, सुनो तो सही, सुनो नंदा। चलो। ओए, क्या है? मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे आंडू पांडू समझ बैठी थी क्या? तुम्हें क्या पता मुझसे कितने लोग प्यार करते हैं? मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले इस दुनिया में हैं, इसीलिए उनसे मिलाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ, समझी? ये लो, गर्मा गर्म है, खा लो, जल्दबाजी में बनाया मैंने। लो भाई, फटाफट बनाना पड़ा, पता नहीं नमक ज्यादा है कम है, खा के बताओ कैसा है। वो मुझे डर लग रहा है। डर? किस लिए? वो मैं बेवक्त कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। मैं सुबह कॉफी पीती हूँ, ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर, रात को सोते समय दूध पीती हूँ,
और बस कुछ नहीं लेती, इसीलिए डर लग रहा है। आज पहली बार तुमने तो मुझे पहले रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, उसके बाद तुमने कहा कि हम लोग घर चलते हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मुझे कुछ। फूलों सा मुखड़ा है, चंदा का टुकड़ा है, महलों की रानी मेरे घर आई। खुशबू से गम के है घर मेरा, महके है वो आई जैसे बाहर आ गई। है रोशनी की तो किरण, तू आई तो जला हुआ, खुशियों से भरा आंगन तेरे लिए दिल की है दुआ। दिल मेरे दिल खेले तो ज्यादा खुश रहे। प्यारी प्यारी आ गई है भाभी, ओ भाभी चांद चेहरा नैन है गुलाबी। प्यारी प्यारी आ गई है भाभी, ओ भाभी चांद चेहरा नैन है गुलाबी। नैनों में थे सपने तुम जो बने अपने, हंसने लगी जिंदगी। पल पल खेला होगा जीवन, नया होगा, लाओगी तुम हर खुशी। काली काली देखो हंसने लगी, खड़ी खड़ी देखो सजने लगी। प्यारी प्यारी आ गई है भाभी, ओ भाभी चांद चेहरा नैन है गुलाबी। प्यारी प्यारी आ गई है भाभी, ओ भाभी चांद चेहरा नैन है गुलाबी। खुशियों का दर्पण हो तुम, एक सरगम हो, जीने का एहसास हो। हौले हौले बजे शहनाइयां, धीरे धीरे सजे सारा जहां। पूरे हो जाएंगे दिल के अरमां सभी, तू बनेगी मेरे घर की लाडली। प्यारी प्यारी आ गई है भाभी, ओ भाभी चांद चेहरा नैन है गुलाबी। प्यारी प्यारी आ गई है भाभी, ओ भाभी चांद चेहरा नैन है गुलाबी। सरकार भी व्यस्त है, धोनी भी व्यस्त है,
तेरा काम हो गया। अब तू चिंता मत कर, समझ गया ना? तुम हो क्या? ओके ओके, बाद में मेरी बात सुन। चल। सरकार समुद्र किनारे नहीं आएगा, यहीं पर मिलेगा। अगर तुझे मिलना है तो भूलूंगा नहीं, याद है शिंदे? तुम्हें पता नहीं मेरा काम करने का तरीका कैसा है मालूम है ना? इज्जत के साथ साथ खोखा यहां पर भिजवा दे, नहीं तो फिर तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये कैसेट असेंबली के सामने डीसीपी मर्डर का कैसेट, मैं क्या करूंगा? इसे तुम्हें डेली सीरियल की जगह दिखाना चाहिए था, यहां क्यों ले आए? ये नाम गौरी, बाइक का एक मैकेनिक, तुम्हारी लड़की से प्यार करता है। तुम्हारी लड़की से प्यार करता है, इतने बड़े चैनल के मालिक होकर भी डरते हो? ये सारी बातें मैं भी जानता हूं। तुम्हारी लड़की तुम्हें चाहिए, इसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इस सरकार को अब तुम्हारे लिए समाज सेवा भी करना पड़ेगा। ठीक है, करूंगा। इसीलिए तुम अपनी टीवी में मेरा स्पेशल प्रोग्राम नहीं दिखा रहे हो? अब समझ में आया ना मेरी ताकत क्या है? कोई कुछ नहीं करेगा, करने से पहले सोचेगा। तुम्हारे जैसे बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का बहुत सारी समस्या होती है, इन सब का फैसला करना मुझे आता है। मैं समझता हूं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को डर लगता है। ओके, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे बहन जी, गौरी नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए हैं पता नहीं। आप लोग? हम उसके पहचान वाले हैं, उससे मिलने के लिए आए हैं। कहाँ मिलेगा बता देंगी? इधर आ रे। गौरी शायद गैराज में होगा। तुम क्यों घबरा रही हो? उनसे कहो हमने बुलाया है, जाओ गौरी को बुला के लाओ। क्या रे, ये मसालेदार मटन की अच्छी खुशबू किधर से आ रही है? जा देख। ए, तुम जाके ढूंढो। तुम टीवी चालू करो, मैं आराम करता हूँ। कुछ मिला क्या भाई? हाँ, क्या है ये, मटन है क्या? खा के देखो। वेजिटेरियन? बहुत अच्छा है। वेजिटेरियन है तो क्या हुआ, खाने में मजा आ गया? सुन रे, वो बोतल लेके आ। बहन जी, ग्लास मिलेगा क्या? ए बहन जी, टेंशन में लग रही है, तू जा ग्लास में पानी लेके आ। अरे ए, वहां से हट। अरे रे रे, आउट हो गया, हमेशा ऐसा ही होता है, मरने दो भाई। पानी? हाँ। क्या लक्ष्मी, कौन है ये लोग? पता नहीं, कौरी को ढूंढने आए हैं भाई साहब। कुछ लोग आकर घर में घुस के शराब पी रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। गौरी के लिए पूछ रहे, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ भी पता नहीं। क्यों घबरा रही हो तू? मैं हूं ना, मैं चल के देखता हूं। सिक्सर मारा। कौन हो भाई? स्कोर जानना है क्या? खुद आकर देखो ना। तुम लोग ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? यहाँ तो शरीफ लोग रहते हैं, तुम जबरदस्ती अंदर घुस कर। तू बकवास बंद कर रहे, हम लोग गौरी से मिलने आए हैं, उसका पता कर। नहीं पता है तो चुपचाप जाकर अपनी दाढ़ी बनाते रह। तुम लेना है क्या? नहीं, तू जा रे, तेरी जात का बैदा मारूं। ए, फिर सिक्सर मारा, ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है। सुनो जी, पता नहीं ये लोग कौन है, गौरी को पूछ रहे हैं, पता नहीं वो लोग कौन है। क्या खेल रहा है ना? कौन है आप? क्या है,
अपने आप को शाना समझता है क्या? तेरे सामने जो खड़ा है वो तेरे फ्रेंड से मिलने के लिए आया है, उसको अपनी भाषा में समझा देना। सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो उसकी लाश सर्विसिंग के लिए भी नहीं मिलेगी। समझ गया। ये तो सरकार की तरफ से सिर्फ चेतावनी है, अगर नहीं माना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल देंगे। ए, चलो रे। कौन थे ये लोग? वो आ गया, चुप रहो। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना चुप रहो, बाद में बात करेंगे। क्यों आर्टिस्ट, तुम बहुत शाने बन गए हो क्या? इस इलाके के बारे में नहीं जानते हो? टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या हुआ गौरी? क्या हुआ? बीच रोड पे गाड़ी खड़ा करके चाबी छोड़ आया। ज्यादा अकलमंद ऐसे ही बेवकूफी करते हैं। मौसम भी लाया हूँ, जूस निकाल कर आर्टिस्ट को पिलाओ, दिमाग सही रहेगा इसका। कितना टेंशन में लग रहा है, चलता हूँ। ये बदबू कैसी है? कुछ नहीं, वो तुम इतना क्यों घबरा रही हो? आर्टिस्ट ने कुछ कहा क्या? मैंने कुछ नहीं कहा गौरी। मुझे सब पता है, शराब पी के तुमने कुछ कहा होगा। क्या ये? पता नहीं गौरी। किसने किया ये? पता नहीं गौरी, किसने किया? किसने चिपकाया? क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है। कुछ भी तो नहीं हुआ गौरी। तुम्हारी घबराहट कह रही है, कौन है वो? नहीं बताना है? मत बताओ। ठीक है। पांच लोग रिक्शा में आए थे भैया, लक्ष्मी दीदी और जीजा जी को धमका रहे थे वो लोग। वो गुंडे की तरह मार रहे थे भाई, गौरी के नाम से धमकी दे रहे थे भैया। और जब आर्टिस्ट भैया आए तो उनसे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे वो लोग। आर्टिस्ट से कह रहे थे कि वो लोग सरकार के आदमी है, इसलिए होशियार रहना। हाँ, दीदी ने जो खाना बनाया वो लोग खाकर चले गए, दीदी घबरा गई थी। हर रोज एक नया कंपटीशन, हर रोज एक नया चैलेंज सामने आ रहा है। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश। कौन है रे सरकार? सरकार 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 कौन है वो असल में? देखूं तो देखो, मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ, तेरी लड़की से प्यार करता हूँ और ये तुझे पसंद नहीं है। तू औरों का सहारा लेने के बजाय मुझसे बात कर, मैं उसका हल निकालूंगा। हमारे मैटर में दूसरे आने वाले कौन होते हैं? कहाँ है तेरा सरकार? सरकार बताओ कौन है? कौन है? तुम्हारी जगह पे, तुम्हारे इसी इलाके में मैं अभी इसी वक्त देखने के लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी हो जाए। जान हथेली पे लेके आया हूँ। तू है क्या सरकार? तू है सरकार? तू है सरकार? बताना, तू है सरकार? तू है सरकार? बता, तू कौन है रे? ओहो, तो तू है सरकार। मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, तेरी मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। तू किसी से प्यार करता है तो बहुत बड़ा मजनू हो गया। मैं जिससे प्यार करता हूँ ये उसका बहुत बड़ा आशिक है। बीच में तू तीसरा भी आशिक है क्या? तू बॉस है क्या? नामो निशान मिटा दूंगा, समझ जाओ। ए सरकार, मैं डायरेक्ट सामने खड़ा हूँ तुझे समझाने के लिए, इसलिए
कि तू किराए के कुत्तों को पालकर यहाँ पर सड़कों पर दादागिरी करता होगा। ऐसी दादागिरी मैं बचपन में बच्चों के साथ करता था। ऐसी भाईगिरी अगर मेरे साथ करोगे तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। सरकार, तू इन सब का बॉस होगा, लेकिन तू मुझे नहीं डरा सकता। ए, तेरे जैसे बॉस मेरे सामने टुकड़े टुकड़े होकर चले गए। फिर से कह रहा हूं मैं, तू मुझे नहीं जानता और मैं तुझे नहीं जानता। हम सब भाई भाई ही हैं। अगर मुझसे लड़ेगा गर्दन काट दूंगा। कैसा आदमी है ये, हाँ? मेरी जगह पे आके सबके सामने मुझे धमका कर चला गया। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर लोग, मिनिस्टर लोग मेरे सामने नजर नहीं मिलाते। मुझसे बात करने में उन लोगों को डर लगता है। इसको देखा, हाँ? आंख से आंख मिलाकर, चुटकी से चुटकी बजाकर बात किया इसने। गलत हुआ। पेपर में देखकर पढ़ने जैसा और पढ़ने के बाद रद्दी जैसी हालत हो गई हो। ए, इसका कुछ करो ताकि दोबारा ये ना भौंके। ठीक है, धमका देंगे। अच्छा, वार्निंग देंगे। बच्चा है, चाकू से मारो, चाकू से, ताकि दोबारा ऐसा ना कर सके। इसीलिए जिंदा नहीं बचना चाहिए। सर ही निकाल दो। फर्स्ट टाइम सरकार से सवाल। ए, देख बढ़िया से सजावट कर ताकि सुंदर लगे, समझा ना? अब यहाँ से जाओ तो मैं कुछ करूँ? अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना करो ना। मैं देख रहा हूँ कि कोई कमी ना रह जाए, समझ गए ना? हाँ ठीक है जाओ ना, मेरे बाप काहे के लिए दिमाग खराब कर रहे हैं। चले आते भाषण। ए तुम उधर खड़े हो क्या कर रहे हो? चलो जल्दी काम करो। ए ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? सेटिंग हो रहा है। ये बल्ब किस लिए? वो तुम नहीं समझ पाओगे, मेरी काम की चीज है। ये खराब है रे। क्या कहा? अरे ये बल्ब बहुत पुराना है, कितने दिनों से ऐसे ही बेकार पड़ा है। पुराना हो या नया हो, हाई वोल्टेज का पावर हाउस मेरे सामने आ रही है। ए रुको, तुझे तो ठंडी लग रही है मगर मुझे तो गर्मी लग रही है। मुझे बहुत काम करना है। करो। मैंने उसके अंदर से पहला करंट पास करवाया। ये सब टेक्नोलॉजी मैं जानता हूँ साहब, मैं कहीं से भी करंट पैदा कर सकता हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ। जादूगर पीसी सरकार को बल्ब जलाते देखा है, इसने कैसे बल्ब जला दिया रे बाबा? इधर ही रखो, मजबूती से पकड़ो, हाइट का प्रॉब्लम है। पकड़, मजबूत पकड़, इधर वायर लगा के करंट सप्लाई देना है। अच्छे से पकड़ना। ए तुम थोड़ा उधर बाजू हटो। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। हाँ तो सबको पानी और गुड़ पिलाने का इंतजाम करो। अच्छा सर। अरे कमीने, साठा में पाठा बनकर लड़की पटा रहा है तेरी तो। ये क्या, इंसान है या बेवकूफ? आपकी उम्र देख के मैं कुछ नहीं बोल रही थी, अक्ल है कि नहीं आपके पास? मैंने किया कब? क्या कह रही तू? अरे तू है? अरे किधर जा रहा है? रुक रुक, अरे रुक रुक, अरे लड़की को छेड़कर मुझे फंसाता है। अरे तूने उस लड़की को छेड़ा, शर्म नहीं आती? अरे मैंने कहा छेड़ा, छेड़ तो आप रहे थे। अरे देखो इसे, ये हवा में कैसे लटका हुआ है। वो क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। देखो स्टूल के बिना कैसे हवा में लटक रहा है वो। ऐसा कैसे हो सकता है? डाउट है क्या? आवाज देखे देख। भैया क्या है, काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है, अनपढ़ गवार जाहिल हो। तेरे नीचे का स्टूल कहाँ है?
यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं। सब कपड़े बैग में रख लिए ना, आगे तेरी मर्जी, देख ले। हम लोग यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन हम लोग ठहरेंगे कहाँ पर? नहीं हुआ तो पहचान वाले क्या देखते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए तो कभी बस में कभी पैदल चल के आता हूँ। क्या करे, तुम तो जानती हो। ए लक्ष्मी, आर्टिस्ट कहीं जा रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनका चेहरा बीमार जैसा क्यों लग रहा है? मेरा चेहरा ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहता है। कुछ तो हुआ है? कुछ नहीं गौरी, मेरा कुछ खास काम निकल आया था इसलिए बस जा। ऐसा तो फिर यहाँ? नहीं नहीं गौरी, हम आ जाएंगे। तुम रुको आर्टिस्ट। देखो लक्ष्मी, जब से तुम यहाँ पर आई हो उसके बाद मैं घर का खाना समझ के पूरे अधिकार से यहीं खा रहा हूँ, तो फिर मैं भी तुम्हारा अपना ही हुआ ना। क्यों लक्ष्मी, तुम मुझे अपना नहीं मानती? इस बार रामलीला में शहर के खासकर आपके हाथों से पूजा कराने का फैसला कर लिया है मैंने लक्ष्मी। नहीं जाएंगे। तभी तो लक्ष्मी मान गई, सारे शहर में अब धूम मचाएंगे। सीता से मिलने चले हैं अज रामा, विवाह की डोरी में बंधेंगे रामा। सबका उद्धार कर तू बेड़ा पार कर, सबका कल्याण कर ओ सीता माँ। तुम रघुवीर हो, तुम सबसे वीर हो, पूजा स्वीकार कर मेरे रामा। दुखियारों के दुख तू हरे, खाली झोली सबकी भरे। राई को तू पर्वत कर दे, पर्वत को राई बनाए। अपनी शक्ति से तू भगवन, पत्थर में भी फूल खिलाए। बोल राम 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 सिया राम, राम 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 सिया राम। बोल राम 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 सिया राम, राम 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 सिया राम। सबका उद्धार कर तू बेड़ा पार कर, सबका कल्याण कर ओ सीता माँ। तुम रघुवीर हो, तुम सबसे वीर हो, पूजा स्वीकार कर मेरे रामा। करे हम सब तेरी सेवा करें, तेरी भक्ति में हम यूं ही दिन रात डूबे रहे। ये सर तुम्हारे ही आगे झुके, पूजा हमारी कभी ना रुके। सुन ले मेरी माता जानकी, राम की भक्ति बस हमने की। इनके कृपा से अपनी सारी सृष्टि चले। राम सीता राम का सदा ध्यान कर, आएगा सवेरा तू अंधेरे से न डर। फूल बन जाएंगे ये कांटों की डगर, राम सीता राम का सदा ध्यान कर। सबका उद्धार कर तू बेड़ा पार कर, सबका कल्याण कर ओ सीता माँ। तुम रघुवीर हो, तुम सबसे वीर हो, पूजा स्वीकार कर मेरे रामा। Thank you.
हम में तो हर घड़ी की है तेरी आराधना, आए परीक्षा की जो घड़ी कम होगी ना तेरी साधना। होठों पे बस इनका नाम है, हृदय में बस सीताराम है, इनकी भक्ति से शक्ति मिले, मन से मांगोगे जो वो मिले, अपनी सारी सृष्टि चले। राम सीता राम का सदा ध्यान कर, आएगा सवेरा तू अंधेरे से न डर, फूल बन जाएंगे ये कांटों की डगर, राम सीता राम का सदा ध्यान कर। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी खातिर मैं अपने दिए हुए वादे से मुकर नहीं सकता, इतना जान लो तुम। सच्चाई क्या है आप नहीं जानते हैं डैडी, उस दिन जब मैं उससे मिली थी तो तू उसे क्या समझती है, वो एक मामूली मैकेनिक है, बात करने की तमीज नहीं उस इडियट को। नहीं डैडी, वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे उसकी सिफारिश का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इज्जत से समझा रहा हूँ, उससे दूर रहो समझे। ये नहीं हो सकता। जाओ अंदर। मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूं, तूने जो वादा किया वो पूरा नहीं हो सकता, मैं इन सब बातों को खुद देख लूंगा, इसलिए श्वेता की अपनी जिंदगी का हेलो हेलो इडियट। इतने बड़े चैनल को कंट्रोल करते हो तुम, फिर भी अपनी बेटी को कंट्रोल में नहीं रख सकते, हाँ? किधर है वो? क्या है ये? तिजोरी में संभाल के रखने वाला कोई सोना है क्या? प्यार है, मिस्टर प्यार है। बड़े बड़े मुगल राजा भी प्यार के सामने अपना सर झुका लिया है, तुम क्या हो, हाँ? इंसान को रोक सकते हो लेकिन दिल से दिल के मिलन को रोक सकते हो क्या? रो रो के क्या हाल किया है? छे, तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें किधर जाना है और किससे मिलना है इस बारे में तेरे पिता से पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे कहो, हाँ? डरो मत, जाओ, मैं सच कह रहा हूं, जाओ 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 ना बाबा। ए, रुको, रुको, रुको। परसों वहां चलोगे? हाँ, किधर जाना है? सात बंगला। बैठो। तुम क्यों घबरा रही हो? तुम जाओ ना, जाओ। तुम कहाँ जाना चाहती हो, किससे मिलना चाहती हो, मिल सकती हो। सुनो, तुम अब किसी से बात नहीं करोगी, देखो जरा बात करने से क्या हश्र हो गया। जाओ जाओ ना। इसे कहते हैं डर, इसी तरह डर के रहना चाहिए। इधर खिड़की दरवाजे पे पर्दा लगा दो और बाकी जगह पर भी लगा दो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब किसी से मिलने का बात करने का सवाल ही नहीं होता, अब वो तुम्हारा नाम भी नहीं ले सकेगा।
तुमने किसके साथ डील किया है? सरकार, सरकार। गौरी, आपका गोत्र क्या है? पैडीपाल गोत्र। पैडीपाल गोत्र का दोष मुक्त हो, आपके नाम का नक्षत्र क्या है? नाम गौरी है, और नाम के अलावा मैं अपने बारे में खुद कुछ नहीं जानता। अब सितारे नक्षत्र वगैरह मैं क्या जानूं? जाओ सबको आरती दो और प्रसाद दो, जाओ। चल रे। ओम श्री सद्गुरु श्री शिरडी साईनाथ महाराज की जय। गौरी सुन ना, अरे क्या हुआ बोलना। यहाँ बात करना ठीक नहीं, जल्दी निकल। लेकिन हुआ क्या यार? आगे बढ़। तलवार ले लो तलवार, कौन सा साइज चाहिए? ले लो तलवार, ले लो तलवार, चाकू धुरी तलवार, ले लो ले लो ले लो। मेरा दोस्त आ गया है, मुझे उससे मिलने दो। अरे गौरी, अरे बचा, तू तू ही बचा इनसे। अरे बचा, बचा मुझे। Come on, come on, come on। अरे किधर जा रहा? अरे किधर भाग रहा है? अरे रुक जा। अरे मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा।
उसको खत्म कर दिया होगा। सरकार उधर देख। अभी तक उसके छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पर ला रहे होंगे। किसके साथ पंगा ले लिया उसने, उसे अभी मालूम नहीं है। क्या है रे चोरे, मुझे मारने भेजा था, निचोड़ के रख दिया हूं, देखना है। देखा ना, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में कचरे की तरह भरे पड़े हैं ये, गिनती कर ले, तेरा कोई आदमी कम तो नहीं है। देखो कोई कितना भी बड़ा खूंखार होगा, मैं उसको कुछ नहीं समझता। तू तो मेरे सामने दुम हिलाने वाला गली का कुत्ता है, पहचान ले मुझे। देखो सरकार, तुम्हारे हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी करने वालों को मैं बख्शता भी नहीं हूं। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, मुझसे दुश्मनी मत पाल, नहीं तो तेरा खेल यही खत्म कर दूंगा। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तेरी चाल तुझ पे ही भारी पड़ गई। तू कभी आइंदा मेरे से टकराने की कोशिश मत करना। मेरे सामने सवाल और अटैक और चैलेंज करने वालों को गली गली दौड़ा दौड़ा कर हड्डी पसली तोड़ता हूं मैं। जल्दी से पकड़ो। स्वामी नाग देवता, ये मेरे सपनों का मंगलसूत्र है, जो मेरी जिंदगी में आएगा वो कौन है मैं नहीं जानती, एक बार उसको मेरे नजरों के सामने ला दे। ये मैं तुम्हारे चरणों में रखकर मेरी मनोकामना पूरे करने की आशीर्वाद मांगती नाग देवता। आए, देखा क्या, ये मंगलसूत्र जो है ना, मैं उसे पहनाऊंगा। ए, क्या ये कौन है तुम? ये भगवान की आज्ञा है, ये मंगलसूत्र मैं तुझे पहनाऊंगा। अरे ये क्या है, तुम्हें भगवान है? अरे ये क्या कर रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे। अकेले समझ के मंगलसूत्र बांधने की सोच रहे थे क्या? अरे तू मर जाएगा रे। मैं नहीं, मरने वाले तुम लोग हो। जैसे स्वामी, रामा स्वामी, कुकु स्वामी, कुमार स्वामी, वेंकटेश स्वामी, डबल स्वामी और नारायण स्वामी, इन सब का जादू मैं जानता हूँ। इसकी रक्षा करने के लिए सब सीख कर इस दुनिया में आने से पहले मैं माहिर खिलाड़ी बन चुका हूँ। मेरा नाम है देवानंद स्वामी। चलो बांधो, चलो बांधो, बांधो, बांधो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आई थी ना? सांप किधर है? पार्लर जा रही हो पब में? ओके ओके, बाय बाय। श्वेता रुको, रुको कह रहा हूँ ना। श्वेता बहुत जल्दी में हो क्या? प्लीज गौरी, मुझे बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करना चाहती? यूं ही मुझे देर हो रही है। सुनो, तुम्हें उन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, बातचीत करके मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। श्वेता सच कह रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारे बारे में कोई गलत कहेगा या तुम्हें कोई चमकाएगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा कुत्ते की तरह। इसका मतलब हमारे सपने पूरे होंगे? तुम्हें कोई शक है क्या? पता नहीं मुझे क्यों डर सा लगता है, कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जिंदा हूँ ना। तो फिर और क्या, आर्टिस्ट और लक्ष्मी भी तो अपने हैं ना। गौरी, उन पे भी मुसीबत आ सकती है। ए, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारे और हमारे बीच का फैसला आज ही होगा, जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। कहाँ पर? भरोसा नहीं है क्या? है ना। बाप रे, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कितने सारे हैं, क्या करूं? एक काम करो, ये 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 भाई साहब तुम ही पसंद करो,
मैं क्या करूँ सर? ये तुम्हारा जिम्मा है। मैं आपकी पसंद कैसे जान सकता हूँ सर? इतने सारे कार्ड छपवा सकते हो, एक पसंद नहीं कर सकते क्या? 23, 24, 25, 26, 27 किस्म का मिल सकता है सर। बिटिया बालिग है ना? चांस मार रहे हो क्या? मैं इसके लिए बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ ना? वेलकम सर, वेलकम। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, रोकड़ा दूंगा, मंगलसूत्र दिखाओ। किसके लिए चाहिए मंगलसूत्र? मैडम के लिए मंगलसूत्र चाहिए। वो तो ठीक है सर, किस टाइप का बांधने वाला मंगलसूत्र चाहिए? क्यों बे, हमको भी अपनी तरह बेवकूफ समझता है क्या? अच्छा, तो क्या लंबे रेज है? ए, उसके लिए अलग से आता है क्या? लेकिन सर वो बुरा मत मानना बाबू, हर ग्राहक की पसंद अलग अलग होती है, यही पूछ रहा है। आप लोग डिसाइड मत करो, ये डिसाइड करने वाली है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तुम दिखा तो दो, मैडम जो पसंद करेंगी वो मुझे भी पसंद आएगा, हमारी पसंद एक है। ये लड़की तो मेरी बेटी जैसी है। ए, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारी तहजीब है। बिल्कुल ठीक का, अच्छा सा मंगलसूत्र दिखाओ, महंगा भी होगा कोई बात नहीं, ये मेरी जीवन साथी है, नो मैटर। मौसम मस्त, हम तुम क्या कहे हैं दिल, ये जानम सुन पास आके जरा। ये मस्त मौसम मस्त, हम तुम क्या कहे हैं दिल, ये जानम तुमने सुना क्या, बता आ मेरे पास आ। ओ मेरी दिल रुबा, कुछ मुझे भी सुना। मौसम मस्त, हम तुम क्या कहे हैं दिल, ये जानम सुन पास आके जरा। ये मस्त मौसम मस्त, हम तुम क्या कहे हैं दिल, ये जानम तुमने सुना क्या, बता वाणी में तू, चाहत की कहानी में तू, तू है मेरी आशिकी। होंठों पे है तेरी बातें, तुझसे ही चलती है सांसें, तू है मेरी जिंदगी। जाने जा, बोलो ना, ओ, 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 तेरे बिना यारा मुझे नहीं जीना, नहीं जीना तो। ये मस्त मौसम मस्त, हम तुम क्या कहे है दिल, ये जानम सुन पास आके जरा। ये मस्त मौसम मस्त, हम तुम क्या कहे है दिल, ये जानम तुमने सुना क्या, बता। Oh, 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 oh,
पे तराना तेरा, मैं तो हूँ दीवाना तेरा, तूने किया मुझको घायल। जाने जा। ओ, 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 बोलो ना। ये मस्त मौसम मस्त हम तुम क्या कहे हैं दिल ये जानम सुन पास आके जरा। ये मस्त मौसम मस्त हम तुम क्या कहे हैं दिल ये जानम तुमने सुना क्या बता। लक्ष्मी, लक्ष्मी आई भैया। हम्म, क्या है, क्या बात है गौरी? क्यों, क्या सोच रही हो? देखो कार्ड, गौर से देखो कार्ड। साहब कोई मामूली नहीं रहा, फैमिली वाला होने जा रहा है। ए, 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 समझ गई, बहुत अच्छी तरह से समझ गई। अरे अरे, तुम्हें शर्माना भी आता है? कभी कभार ये भी करना पड़ता है ना। खैर छोड़ो, मुझे बहुत काम है। आने वाले गुरुवार को श्रीमान गौरी शंकर का शुभ विवाह श्रीमती श्वेता के साथ होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आके आशीर्वाद दें। आप सभी बड़े बुजुर्ग बच्चों को सम्मान और प्यार से आमंत्रित किया जाता है। मेरे प्यारे जीजा जी, रघु और लक्ष्मी की तरफ से मुबारक है गौरी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तुमने देखा क्या, वो अभी तक नहीं आए। कौन? तुम्हें पता नहीं गौरी, रघुराम के साथ लड़की के घर वालों से बात करनी है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं अभी तैयारी करता हूँ। मैं भी वही सोच रहा था लक्ष्मी, भूल गया जल्दबाजी में, याद नहीं रहा क्या करूं। सच में मेरे दिमाग से ही निकल गई थी ये बात। तुम भी ना, ऐसा भी क्या है गौरी, जल्दबाजी में तुम भूल ही गए ना। बहुत सारे टेंशन है ना, जल्दबाजी में भूल ही गया। मैं अभी जाकर आता हूँ। छी छी, तुम कैसे बात कर सकते हो, ये सब बात बड़े करते हैं। तुम क्यों जाओगे, बाकी और भी बहुत सारे काम है, वो तुम संभालो, इतना ही ठीक है। चलो चलो, अब चलकर खाना खा लो। तुम लोग भी चलो। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे और कुछ काम याद आ गया, उसे निपटा कर आता हूँ, अब बाद में खाऊंगा। ठीक है, चलो रे। अरे याद आया, तुम यहाँ का सब देख लो, और जीजा है तो उन्हें रोकना। हाँ, मैं आता हूँ। अच्छा। अरे ये क्या है, क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं, क्या हुआ बोलो? कुछ नहीं हुआ तो बेचैन क्यों है? हाँ, इधर आ। हाँ भैया। जीजा कहाँ है पता लगा और तुरंत मिलने को बोल। उनको हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, जाना जाना तू। क्या? अरे क्या हुआ? अरे हमें बताओ तो सही, क्या हुआ? अरे बताता क्यों नहीं? अरे क्या हुआ यार? अरे यार तू क्यों टेंशन ले रहा है? आर्टिस्ट को तुमने कहीं भेजा है क्या? मैंने तो नहीं, तुमने उन्हें कहीं भेजा? हाँ यार, भेजा है, उसको भेजा है। गौरी, क्या बात है, आप लोग इस वक्त यहाँ? बेटा, हम इस वक्त इसलिए आए हैं कि मेरा बेटा रोज शाम को इस समय तक आ जाता है, लेकिन पता नहीं अभी तक आया नहीं है। लेकिन बच्चे ने मुझसे पूछा तो मैं परेशान हो गई। ए, एक खींच के दूंगा। तुम्हें अपनी नानी से पूछने के लिए कहा था क्या? जाके नाके में कहीं देखने के लिए कहा था ना तुझे? अकल नहीं क्या? आप जाइए माँ जी, जीजा को मैंने ही काम से बाहर भेजा है, वो आते ही होंगे माँ जी। बदमाश कहीं का, चलती हूँ गौरी। हाँ। तू जा। ए, तुम सही बताओ, तुमने उन्हें कहाँ भेजा है? हाँ। मैंने ही उन्हें भेजा है, मतलब वो सेकंड शो देखने के लिए, मैं भूल गया था। चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, बाय बाय। सुन, कुछ नहीं, जा। क्या यार ये? अरे क्या हुआ इसको? क्या यार हो गया उसको? ए राजू,
संभल के जाना। ए, ये हमारा आइडिया है, हमें यहाँ किसका डर। हाँ ओके चल भाई, गुड नाइट। ठीक है गुड नाइट। क्या यार ये बात है। राजू राजू बाबू भाई, राजू कहाँ है? क्या पता राजू कहाँ है, एक औरत आई थी वो उसी के साथ कहीं गया है। ए, कृष्णा है क्या? मैंने नहीं देखा। देखा नहीं? हेलो हेलो, कृष्णा है क्या? मैं गौरी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं कृष्णा ही बोल रहा हूँ, बोलो। ए तू वहीं रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। पहले से अच्छी तरह चेक कर लो फिर काम करना। सर वो कृष्णा कहाँ है? आप गौरी, वो तो अभी अभी गया है कुछ लोगों के साथ में नीचे। आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। श्वेता देखो कौन आया है। क्या सोच रहे हो? अरे बेटा क्या देख रही है, जाओ इसे कॉफी पिलाओ। आओ 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 आओ। बैठो। तुम मेरे दामाद बनने जा रहे हो, इस बात से मैं बहुत खुश हूं। आओ बेटी। क्या है बेटी, अपना सपना पूरा होने की खुशी में मीठा खिलाया जाता है। पियो पियो। ठीक है ना, कहीं कुछ कमी तो नहीं है? शक्कर तो ठीक है ना? तुम्हें और भी बहुत कुछ खिलाना बाकी है। हाँ वेडिंग कार्ड बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। तुम दोनों के फैसले से मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक्स डैडी, थैंक यू सो मच। आप इतने आसानी से मान जाएंगे मुझे पता नहीं था। तुम क्या समझती हो बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हें दामाद बनाने की खुशी में मुबारकबाद देता हूँ। चलता हूँ। मेरा जीजा कहाँ है? कहाँ है मेरा जीजा? गौरी तुम रुको, कहाँ है मेरा जीजा? पता कहाँ है मेरा जीजा? तू क्या समझता है मैं तेरी चाल को नहीं समझता? गौरी तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अकल है? ये क्या चाल चल रहे हैं, इन्होंने क्या किया तुम नहीं जानती हो? ये मीठे मीठे बोल बोल के जब इनकी दाल नहीं गली तो हमें एक और चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरी ये गौरी अभी तक बात करने के हिसाब से तुम्हारे सामने आता रहा है, समझे क्या? तुम्हारा जुल्म सहता रहा, तुम्हें क्या लगा ये सब कुछ करके तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? मुझे डरपोक समझ रखे हो क्या? तुम कोई शहंशाह हो क्या? चाहूं तो तुम्हें जिंदा जला सकता हूं। गौरी तुम क्या बक रहे हो? मैं बक रहा हूं? तुम्हारे मेरे प्यार से खुश होने की बजाय हम लोगों के साथ खेल रहे हैं ये, समझी क्या? और वो खेल तेरे डैडी खेल रहे हैं। हमारा गुस्सा किसी तीसरे पे क्यों उतार रहे हैं? अभी तक मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था इसलिए बर्दाश्त किया। मेरे घर पर आकर, मेरे गैरेज में आकर मेरे दोस्तों को, घर वालों को परेशान करना, ये कहां का इंसाफ है? आखिर इससे साबित क्या करना चाहते हैं आप? हाँ औकात क्या तुम्हारी? लड़की के प्यार के बारे में तुम क्या जानो? दुनिया के अकेले बाप हो क्या? दोस्ती के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ तो दुश्मनों के लिए जान ले भी सकता हूँ, आमने सामने, हैंड टू हैंड। तुम मांग के तो देखो, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मेरे अपनों को कोई तकलीफ हो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज मैं कसम खाता हूँ कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। गौरी तुम्हारी सौगंध है मुझे। गौरी बड़े भैया। क्या है चुटकी इस वक्त यहाँ? कुछ नहीं भैया, मेरा भाई नहीं आया। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, तुम घर जाओ। कब आएगा गौरी? फिक्र मत करो माँ, कल कल शाम तक, शाम तक आ जाएगा। कहाँ गया गौरी, तुम घबरा कर जवाब क्यों दे रहे हो? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। गौरी मुझे बता बात क्या है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ बाबा, कुछ नहीं। बात क्या है बोलना। गौरी रोज तेरे ही साथ रहता था ना वो, आज इतनी रात हो गई है लेकिन वो अब तक नहीं आया, तो सच सच बता दे, मुझे घबराहट हो रही है, बताना
बताना बात क्या है? मैं सच कह रहा हूँ बाबा, वो आ जाएगा। गौरी, तुम हम लोगों से सच्चाई छुपाकर कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। गौरी, सुकुमारी श्वेता के साथ? कुछ नहीं हुआ माँ जी, वो जरूर आ जाएंगे। मेरी बात पे यकीन करो। यकीन करूँ तेरी बात पर? लेकिन कब तक? मैं कैसे बताऊं? ये सोचकर मैं भी परेशान हूं कि वो आखिर गए कहां वो दोनों। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। चाहे वो लोग कहीं भी हों, मैं ढूंढ कर लाऊंगा। उनका किडनैप हो गया है माँ। किडनैप हुआ है? कौन है वो लोग जो मेरे बेटे को उठा कर ले गए? गौरी, तुम मेरे बेटे को कहीं से भी ढूंढ कर ला। आप बिल्कुल भी घबराइए मत माँ जी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं जरूर ले आऊंगा। मैं जानती हूँ गौरी, तुम में ही हिम्मत है, लेकिन तुम ये सब अकेले कैसे करोगे बेटा? मैं अकेला हूँ मानता हूँ, लेकिन मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि आने वाले तूफान का सामना भी ना कर सकूं। मैं लाऊंगा सही सलामत, वादा करता हूँ। हम एक साथ थे, एक साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है। सरकार, मैं हाजिर हूं। क्यों बे, हार मान गया क्या? मैं जानता था तुम यहां जरूर आओगे। तू जानता नहीं है क्या ये सरकार क्या चीज है? सरकार, मैं तेरे सामने मेरा भाई कहां है? बेटा, मुझे कमजोर समझा था क्या? हाँ? तेरे जैसा सड़क छाप समझता है क्या? बता दो, मेरा बेटा आखिर कहाँ है? देखो सरकार, मेरे प्यार से मेरे दोस्तों का कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये मेरा वादा है। तुम भी याद रखना, मेरे रिश्तेदारों को कुछ हुआ तो मेरे जीजा और सब आए क्या? ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। गौरी, आर्टिस्ट तुम ठीक हो ना? मेरा तो छोड़ लेगी, ये पता तेरा ये हाल किसने किया? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम आ गए ना, बस नहीं, बस लक्ष्मी आर्टिस्ट। माँ जी, गौरी आपका लड़का सही सलामत आ गया ना? तेरा भाई आ गया ना बेटा? गौरी, कृष्णा, कृष्णा, गौरी, बाबा,
आपका लड़का गौरी, इसमें गौरी? किसी का दोष नहीं, गलती मेरी है, मेरी गलती है। मुबारक हो, सबको मुबारक हो। मुझे अकेला छोड़ो प्लीज। गौरी, गौरी। तुम इस वक्त यहाँ पर श्वेता? मैं हमेशा के लिए यहाँ आई हूँ। अंदर आओ श्वेता। क्या बात है श्वेता? मेरे डैडी की सच्चाई जानने के बाद मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी जीजा जी। मुझे अपनों का प्यार मिला तो बस आप ही के यहाँ पर। इज्जत करने वाले, आदर करने वाले कोई हैं तो बस आप लोग हैं। मेरा वादा तोड़ के तुम यहाँ क्यों आई? जिंदगी से बढ़कर क्या तुम्हारा वादा है बोलो? अब कहो, कहो, इसके सवालों का जवाब है। देखो गौरी, जब हम गलत करते हैं तो बुजुर्ग ही सही राह दिखाते हैं। आज ये सही कह रही है तो क्या तुम इसे नकार दोगे? वो तुम्हें अपना मानकर, अपना सब कुछ छोड़कर यहां चली आई है तो क्या ये प्यार गलत है? ठीक है चलो। कहां पर? हम दोनों के बीच के दुश्मन के पास। गौरी, समाज में मेरी एक इज्जत है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। पता नहीं क्यों तुमने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई मालूम? जो हो गया उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, अब हमारी क्या जरूरत है? एंथनी, देखा ना सरकार, तेरे कुत्ते मुझसे कितना डरते हैं। कोई भी दुश्मनी, कोई भी रिश्ता ना होने के बाद भी मैंने बहुत कुछ सहा है दूसरों के कहने पर, अब तक तो सह लिया, लेकिन तुझे फिर समझाता हूं, वक्त रहते संभल जा। ये सारे कुत्ते भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये देखो, मेरी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आई थी ये। किसी की परवाह किए बिना इतना बड़ा कदम उठाया इसने। इस फैसले के लिए इसका शुक्रगुजार होना चाहिए मुझे। अपनों से दुश्मनी मोल ले ली मेरे लिए, फिर भी मैं श्वेता को छोड़ता हूँ। आज के बाद मेरे बदले तू इसका सुख दुख का साथी होगा। लेकिन एक बात, तुमने ये सब करके क्या हासिल कर लिया? एक इज्जतदार आदमी का विश्वास जीत पाया या उसकी चिता जलाने की तैयारी की? सुनो सरकार, तेरे जैसे इंसान भगवान से नहीं, कानून से नहीं, पुलिस से भी नहीं डरते होंगे। जिस दिन वक्त तेरा साथ छोड़ देगा ना, पब्लिक सड़क पे गिराकर कुत्ते की तरह मारेगी तुझे, उस वक्त ये सब तेरा साथ नहीं देंगे। तेरे कर्मों का फल तुझे ही भुगतना पड़ेगा और मेरे कर्मों का फल मैं भुगतूंगा। मेरी बात को हमेशा याद रखना और तभी तुझे मेरी ये बात याद आएगी। एक सुखी जिंदगी जीने वाले को तेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी, अपनी इसी बेवकूफी को तू बहादुरी समझता होगा। सरकार तू ही जरा सोच और सोच के बता कि तूने कभी किसी इंसान की भलाई का काम किया है? आज तक कभी किसी से सच्चा प्रेम किया है? छुरी तलवार के सिवा तू और कुछ जानता है क्या? इससे लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी सोचा है? प्यार ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। सुख में हो या दुख में एक दूसरे का साथ देके चार दिन की जिंदगी जी ले, वही सही जिंदगी है। आखिरी बार तुझे समझाता हूं, आज के बाद प्यार करने वालों के लिए मुसीबत खड़ी मत करना, क्योंकि सब गौरी जैसे नहीं होते। चलता हूं।
दिल। दिल बोले तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा प्यार कभी डरता नहीं, दिमाग का भी सही उपयोग होता है। तुमने दूसरों की खुशी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हे, प्यार के खातिर अपनी मर्दानगी तक को भुला दिया है। 3 बार, तीसरी बार मेरी जगह पर आकर मुझे गुंडा मवाली कहने वाला आज ऐसी आदर्श की बातें करके मेरी आंखें खोल दी। असली शेर तो यही है, झूठी तलवार चलाने वाला नहीं, अच्छो अच्छो को अपनी बातों से मात दे देता है। मान गया मैं, बिल्कुल मान गया मैं, मान गया। और तूने कहा ना मैंने किसी से प्यार नहीं किया। सच, मैंने सिर्फ अपने लिए ही जिया है। सही क्या गलत क्या इसका मुझे अंदाजा नहीं था। छोड़ दिया गौरी को, आज से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एंथोनी, आपकी मर्जी। गौरी जाओ, जाओ। ए, उसे कुछ मत करो, उसकी बातों में सच्चाई है। तुम जाओ गौरी। एंथोनी, क्या समझता है तू है? एंथोनी, देख लिया ना तुम लोगों ने, 2-4 बातों में पिघल गया क्या है? हे सरकार, हमारे धंधे में धोखेबाजों को जान गंवाना पड़ता है। तुमने भी वही किया तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। तुम्हारे जैसे गद्दार अब हमारे बॉस नहीं हो सकते। एंथोनी, चुप रहो। हट, हट साले को। ये क्या हो रहा है यहाँ? बोलो, मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। कब से तुम लोग मेरा खून करने की कोशिश कर रहे हो? क्या कर लिया? हाँ, सरकार को पकड़ लिया और मुझे छोड़ दिया। क्या देख रहे हो, किस 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 तरह के गुंडे हो तुम लोग? तलवार चलानी भी नहीं आती, तलवार चलानी भी नहीं। देखो, इस तरह पकड़ के ऐसे घुमा के एक ही वार में टुकड़े टुकड़े कर देने का। क्यों, डर गया क्या? डरो मत, आओ लो करो। ए, आ जा, आ आ सरकाट। जो सुधर गया उसे छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, समझा? Oh!
पीछे से वार करने वाले बुजदिल होते हैं। देखो देखो, सरकार के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने वाला शेर है ये। मेरी ताकत तेरे सामने बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जाबाज मर्द को तुम अपनी बेटी देने से इनकार कर रहे हो? इम्पॉसिबल। सुनिए सर, आपकी बेटी सरकार के साथ खुश नहीं रह सकती, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। फिर भी मैंने ये फैसला किया है, चलता हूं। डैडी, गौरी! हाँ?